मूवी की असली जान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ KGF चैप्टर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। साल 2018 में जब KGF का पहला चैप्टर आया तो तूफान बन गया। साउथ की फिल्मों का क्रेज सुना था, लेकिन उसके लिए नॉर्थ इंडिया में युद्ध का पागल हो जाना मूवी को अलग लेवल पर ले गया। KGF के पहले चैप्टर में एक डायलॉग था जब रॉकी खदान के उस इंसान को मारता है जो लोगों को सजा देता है। तब एक बच्चा रॉकी को देखकर कहता है, कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन, हीरो? नहीं, विलेन। 4 साल बीत गए हैं और अब ये विलेन भगवान बन चुका है। KGF का दूसरा चैप्टर आया है जिसके लिए क्रेज पहले से भी ज्यादा और बड़ा है। फिल्म के इस माहौल ने एक साथ कई चीजों को ध्वस्त किया है। कोरोना काल के बीच लोगों के थिएटर जाने का डर, हिंदी बेल्ट में हिंदी फिल्मों का डोमिनेंस और कमाई के रिकॉर्ड तो ध्वस्त हो ही रहे हैं। मूवी की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी किसी भी मूवी की होगी। गरीब लड़का रॉबिनहुड बना, उसने सब पर राज किया, बुरे काम करते हुए वो आम लोगों का भला करता रहा और मसीहा बन गया, अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। साथ में माँ और प्यार का एंगल भी है बस। लेकिन खेल यहीं पलटता है क्योंकि इस कहानी के बावजूद इस मूवी का भौकाल इसे KGF बनाता है। लेकिन मूवी की अगर कोई जान है तो इस बार भी विलन ही है। रॉकी भाई पहली मूवी में विलन कहलाए गए, लेकिन गरुड़ा का किरदार हर किसी को याद रहा। अब अधीरा आया है यानी संजय दत्त। संजय दत्त की एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स की फाइट तक विलन आपके दिलो दिमाग पर छाया रहता है। संजय दत्त की एंट्री आग की लपटों में होती है और सबसे बेहतरीन पंच उनके पास है तो आते ही उनकी बौछार भी होती है, जैसे तुम्हारे भगवान का खून तो निकलता है ना। कानूनी पचरों से पूरी तरह मुक्त होने के बाद संजय दत्त फिल्मी दुनिया में अपना जो रुतबा फिर से पाना चाहते थे, शायद उनकी तलाश पूरी हो गई है। अधीरा के किरदार में संजय दत्त बहुत ज्यादा सही लग रहे हैं। अग्निपथ का कांचा चीना भी यहाँ मात खाता है। डायलॉग डिलीवरी, अग्रेशन और संजय दत्त की स्पेशल वॉक स्क्रीन पर अपना पूरा जलवा बिखेरता है। मूवी का क्लाइमेक्स बेहतरीन है, जहाँ बिना शर्ट फटी बॉडी दिखाई या किसी को हवा में उड़ाए हीरो और विलन में बेहतरीन फाइट सीक्वेंस चल रहा है। और हाँ, मूवी खत्म हो तो उठकर मत जाना, क्रेडिट्स के बाद भी रुकना। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ की फिल्मों का खुमार इन दिनों लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हर तरफ सिर्फ साउथ की फिल्मों की चर्चा हो रही है। पहले रामचरण और जूनियर NTR की फिल्म RRR, उसके बाद थलापति विजय स्टारर फिल्म बीस्ट, और अभी जो फिल्म रिलीज हुई है यश स्टारर फिल्म KGF 2, जो कि लगातार सुर्खियों में है। देखा जाए दोस्तों तो साउथ की फिल्में ना सिर्फ साउथ ही बल्कि हिंदी लैंग्वेज में भी खूब चल रही हैं। सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। 14 अप्रैल के दिन यानी कि आज के दिन यश की मच अवेटेड फिल्म KGF 2 रिलीज हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं KGF 2 के बारे में तो इसके लिए लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। KGF के पहले पार्ट के बाद से ही लोगों ने सेकेंड पार्ट के लिए दिल थाम लिया था और फाइनली आज उनका इंतजार खत्म हो गया। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्स ने ट्वीट कर बताया कि यश की फिल्म KGF 2 कितने सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। उनके ट्वीट के मुताबिक फिल्म KGF 2 को वर्ल्ड वाइड 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। जी हाँ, 10,000। फिल्म नॉर्थ इंडिया में 4400 स्क्रीन यानी कि 4,400 स्क्रीन पर रिलीज हुई। साउथ इंडिया में 2,600 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई। वहीं फिल्म को हिंदी वर्जन में विदेशों में 1100 स्क्रीन और अदर लैंग्वेज में 2900 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो 10,000 प्लस स्क्रीन्स, मतलब कि बॉक्स ऑफिस पर भूचाल, वो भी पैसों का। KGF 2 को लेकर फैंस में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिली। वो सिनेमा घरों के अंदर से ही सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। फैंस ट्विटर पर लगातार ट्वीट्स की बौछार कर रहे हैं। फैंस फिल्म को काफी मजेदार बता रहे हैं। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म KGF 2 को लेकर रिपोर्ट्स बताया गया था कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया पहले दिन। वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 80 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पार कर सकती है। KGF 2 जिसकी टक्कर होने वाली है RRR से, काफी कांटे का मुकाबला रहेगा।
वेल, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें कि अगर ये फिल्म 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है तो फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा और फिल्म का लाइफ टाइम कितना होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। कितनी स्क्रीन पर रिलीज हुई KGF 2? बॉलीवुड के लिए क्यों खतरा है KGF 2? क्या एक हफ्ते बाद भी जर्सी को मिल पाएगी स्क्रीन? बाहुबली फेम SS राजामौली की रामचरण और जूनियर NTR स्टार तेलुगु फिल्म RRR के हिंदी डब वर्जन ने करीब 250 करोड़ की कमाई करके बॉलीवुड वालों को पहले ही परेशान कर रखा है। वहीं अब कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 के हिंदी डब वर्जन का हिंदी बेल्ट में क्रेज RRR से भी ज्यादा नजर आ रहा है। देश भर में करीब 5,000 से 6,000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही KGF चैप्टर 2 फिल्म की एडवांस बुकिंग भी रोजाना नए रिकॉर्ड बना चुकी है। आज रिलीज हो रही है इस फिल्म की, दो दिन पहले ही ज्यादातर फिल्मघरों में एडवांस बुकिंग के लिए खुले शोज हाउसफुल हो चुके हैं। KGF की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके अब तक करीब 13.5 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुके हैं, जिनमें से करीब 35 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ये फिल्म पहले दिन हिंदी में करीब 40-50 करोड़ और देश भर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। माना तो ये भी जा रहा है कि KGF चैप्टर 2 अब तक पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म ऋतिक रोशन की वॉर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वॉर ने पहले दिन 53.35 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शायद कन्नड़ सुपरस्टार यश के हिंदी बेल्ट में इसी जबरदस्त क्रेज को देखते हुए 14 अप्रैल को KGF 2 के अपोजिट रिलीज हो रही शाहिद कपूर की बॉलीवुड फिल्म जर्सी को भी उसके निमंत्रणों ने रिलीज से महज 3 दिन पहले एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। इससे पहले 14 अप्रैल को आमिर खान, लाल, सिंह, चड्ढा रिलीज होने वाली थी, लेकिन KGF 2 की रिलीज डेट घोषित होने के बाद आमिर ने अपनी फिल्म को इसी साल 15 अगस्त वाले वीकेंड के लिए पोस्टपोन कर दिया। आमिर की फिल्म के पोस्टपोन होते ही जर्सी के निर्माताओं ने 14 अप्रैल पर शाहिद की फिल्म की रिलीज घोषित कर दी। उस वक्त शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 का हिंदी के दर्शकों में क्रेज इतना जबरदस्त होगा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए जोड़ जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एनालिस्ट गरीश जौहर करते हैं कि ये बॉलीवुड के लिए बेहद चिंता की बात है कि उन्हें एक कन्नड़ फिल्म के सामने अपनी फिल्म तक पोस्टपोन करनी पड़ी, जबकि उनकी फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी। आपको क्या लगता है, क्या KGF चैप्टर 2 का क्रेज कमाई में बदल पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। रवीना टंडन से पहले कौन कौन एक्ट्रेसेस निभा चुकी है प्रधानमंत्री का किरदार? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, यस स्टारर KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इसमें रवीना टंडन का बहुत ही अहम किरदार होने वाला है। वो भारत की प्रधानमंत्री बनी है रमिका सेन। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे बहुत से एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया। चलिए इस बारे में आपको बताते हैं। साल 2015 में आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की फिल्म माझी द माउंटेन मैन में दीपा साही बनी थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इस रोल को काफी ज्यादा पसंद किया गया और इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी वही थी। सुप्रिया विनोद, जो कि कुछ तो है से अपने करियर की शुरुआत करी थी, और मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार में बनी थी इंदिरा गांधी। ये फिल्म 1975 के इमरजेंसी के दौरान भारत में घटी घटनाओं पर आधारित थी। वो अभिनेता से राजनेता बने एनटी रामा राव की बायोपिक में नजर आई, जिसमें इंदिरा गांधी का रोल उन्होंने प्ले किया था। अवंतिका अकरकर 2017 में आई सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म नूर से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली अवंतिका को उनके लुक्स की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार ठाकरे उन्हें मिली और उसमें वो बनी थी पीएम इंदिरा गांधी। इस लिस्ट में किशोरी शाहने का नाम भी शामिल है। विवेक ओबराय स्टार देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी में वो इंदिरा गांधी बनी और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ये लुक शेयर किया।
हालांकि इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया और सफलतापूर्वक इस रोल को नहीं निभा पाई। फ्लोरा जैकब का नाम भी शामिल है। साल 2018 में रेट फिल्म आई थी जिसमें वो इंदिरा गांधी बनी थी और काफ़ी पसंद किया गया था। इसके बाद वो 2021 में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक थलाइवी में भी पीएम के किरदार में नजर आई। वहीं पिछले साल आई अक्षय कुमार की बेल बॉटम में लारा दत्ता बनी थी इंदिरा गांधी। उनके लुक को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, वो हूबहू इंदिरा गांधी जैसी दिखाई दे रही थी। लोगों ने लारा के लुक की बहुत ज्यादा तारीफें की और मेकअप आर्टिस्ट भी उस टाइम बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। वहीं दोस्तों अजय देवगन की 2021 में आई फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया में नवनी परिहार बनी थी इंदिरा गांधी। फिल्म में उनकी भूमिका थोड़ी देर की ही थी लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्दे पर छाप छोड़ गई। लेडी पीएम के रोल में उनकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफें की गई। अब बारी है रवीना टंडन की, जो कि लेडी पीएम बनी है केजीएफ चैप्टर 2 में। उन्होंने अपने किरदार के बारे में बोला कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस किरदार होने वाला है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फैंस भी वेट कर रहे हैं उन्हें पर्दे पर देखने का। आप कितना इंतजार कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। कन्नड़ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 जल्दी थिएटर्स में धमाका करने वाली है। इस फिल्म को लेकर हिंदी सिने दर्शकों के बीच खासा क्रेज है। ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग के आंकड़े दर्ज करवा रही है, जबकि दूसरी लैंग्वेज में भी फिल्म बम्पर ओपनिंग की तैयारी में है। इन सब के बीच सुपरस्टार यश इन दिनों फिल्म केजीएफ 2 के जबरदस्त प्रमोशन में बिजी है। दोस्तों देखा जाए तो सलमान खान ने एक बहुत ही मिलियन डॉलर का सवाल पूछा था लोगों से, वो भी साउथ इंडस्ट्री के लोगों से, जिसका आज जवाब खुद साउथ के एक्टर यश ने दिया है। दरअसल फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के ग्रैंड प्रमोशन के वक्त सलमान खान भी एक इवेंट का हिस्सा बने थे। उन्होंने डायरेक्टर एसएस राजामौली की इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा था कि साउथ सिनेमा की फिल्में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही हैं, मगर हमारी फिल्में साउथ में आखिर क्यों नहीं चलती। सलमान खान के इस सवाल ने कई दिनों तक मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी। जब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के इस क्वेश्चन का जवाब केजीएफ फेम एक्टर यश से पूछा गया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारी फिल्में भी यहां नहीं चलती थी। फिर दुनिया के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है इस पर लोगों ने डब वर्जन बनाने शुरू किए, जिसके बाद लोग जो कंटेंट हम बना रहे हैं इससे परिचित हो गए। मुझे लगता है कि शुरुआत में डब वर्जन एक मजाक की तरह लिया गया, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, कोई इसे खास तवज्जो नहीं देता था, मगर इससे लोग हमारी फिल्मों हमारे कंटेंट से फैमिलियर हो गए। ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक कड़ी मेहनत लगी। वेल दोस्तों बात तो सही है, हम लोगों को याद है कि हम लोग साउथ की फिल्में देखा करते थे और कितना मजाक उड़ाया करते थे कि कैसे एक एक्टर लात मार कर पूरी ट्रेन को पीछे कर सकता है। फिल्में ऐसे बहुत से सीन्स होते थे जिनका हम मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और स्टोरी टेलिंग का जरिया बदला, आज हम साउथ की फिल्मों को बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं। यश ने बदलते वक्त के लिए डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली को क्रेडिट दिया। इसके बाद उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ऐसा उस तरफ भी होना चाहिए, अब वो इसे कर रहे हैं, लोग अलग सिनेमा देखते हैं, भले ही इसकी संख्या कम है लेकिन ये बाजार बहुत बड़ा है। इन चीजों से कैसे जुड़े, हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है लेकिन वो हमारी कमजोरी बनने के बजाय हमारी ताकत बने। अगर वो अपना ज्यादा समय हमें दे सकते हैं तो हमें कुछ रिलेटेबल बनाना चाहिए। बहुत सारी नॉर्थ इंडियन फिल्में हैं जो बड़े पैमाने पर हिट हैं। हमने बॉलीवुड स्टार्स की बहुत सारी फिल्में देखी है, हम सभी उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन बाजार की संभावनाएं क्या है। मुझे लगता है मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें काफी क्षमता है, और सलमान सर उस पहलू में सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम देखते नहीं हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उन्हें फिल्म रिलीज करने के अलावा बाकी के पहलुओं को भी देखना चाहिए। आई एम टोटली एग्री विद यश, साउथ की संस्कृति बिल्कुल अलग है, बॉलीवुड से बहुत ही उलट। क्यों ना बॉलीवुड की फिल्मों में भी साउथ की थोड़ी बहुत स्टोरी मिलाई जाए, उनकी संस्कृति को मिलाई जाए, ताकि बॉलीवुड फिल्में भी साउथ के बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाए। आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। होने वाली है फिल्म केजीएफ 2, ये एक मूवी से ज्यादा ब्रांड हो चुकी है। इस मूवी के पीछे की दीवानगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे रोक पाना नामुमकिन है। दोस्तों हमने रॉकी भाई की तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन इस बार हम बात करेंगे फिल्म के विलेन की यानी संजू बाबा की। अगर सामने वाला कंपेटिटर ही तगड़ा हो तो लड़ने में ज्यादा मजा आता है। आप सब तो इस बात से वाकिफ होंगे कि इस
फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारे अपने संजू बाबा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस फिल्म की शूटिंग को टाइम से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उनके और मेकर्स के बीच में बहुत सारी जगह बहस भी हो गई। मेकर्स उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए उनसे बार बार ये अपील कर रहे थे कि वो जो एक्शन सीन्स की शूटिंग है वो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में करें, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना आए, लेकिन बाबा ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आज तक मैंने अपने करियर में ऐसे कुछ फेक नहीं किया और ना मैं आगे करना चाहूंगा, लेकिन मेकर्स उन्हें ये चीज करने पर बार 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 प्रेशर बना रहे थे। इस बार बाबा ने बोला कि अगर मैं बैकग्राउंड वाले सीन्स ही करने हैं तो मुझे इस फिल्म में रखने की जरूरत नहीं थी। जब मेकर्स ने बाबा का ये रूप देखा तो वो भी मान गए कि संजय बाबा से कोई जीत नहीं सकता और फिल्म की शूटिंग वैसे ही हुई जैसे संजय बाबू बनाना चाहते थे। दोस्तों, खुकार लोगों के बीच में शूटिंग पर अपनी जी जान लगा देने वाले बुलेट को लोग कितना ज्यादा पसंद करते हैं ये देखना अब तो बनता है। आप सब तो ये जानते ही हैं कि इस फिल्म के निर्देशन कौन कर रहा है और उन्होंने हाल ही में अपनी इंस्टा लाइफ पर आकर अपने फैंस से रूबरू हुए। उनके फैंस ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ये रहा था कि उनके फेवरेट एक्टर्स कौन कौन है। तो उन्होंने बताया कि उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक है थलापति विजय। तो उनके फैंस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको बस आप एक वर्ड में डिफाइन करिए। तो उन्होंने बोला कि ही इज अ पावर हाउस। अब इस पर ये सवाल उठता है कि अगर प्रशांत नील विजय को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो उन्होंने केजीएफ के लिए यश को क्यों चुना? क्या थलापति ने मना कर दिया था ये फिल्म करने के लिए या कुछ और ही बात है? वेल, ये सवालों के जवाब तो हमें भी नहीं पता और अब ये सवालों के जवाब हमें किस तरीके से मिलेंगे ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। KGF चैप्टर 2 का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है और लोग इससे चाहते हैं हर लैंग्वेज में रिलीज हो, लेकिन ऐसा करना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं। लेकिन फिर भी मेकर्स ने फैंस की डिमांड पर इस फिल्म को 6000 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, लेकिन मेकर्स ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि ये फॉरेन में कितने स्क्रीन पर रिलीज होगी। ये सब बातें तो हमें पता चल ही जाएंगी। आपका मार्क किया क्रॉस, प्री बुकिंग में चमके रॉकी भाई। लोग यश के जलवे देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और इसलिए भी केजीएफ के दूसरे पार्ट के लिए लोग एक्साइटेड हैं। केजीएफ फिल्म ने यश के फिल्मी करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। यश फैंस के बीच रॉकिंग स्टार के नाम से भी काफी पॉपुलर है। यश का असली नाम नवीन कुमार गौरा है। उन्होंने बहुत कम समय में ही कन्नड़ सिनेमा में अपनी पहचान बना ली है। हालांकि यश को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली उनकी फिल्म KGF चैप्टर 1 से। इस फिल्म को भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद किया गया था। यश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं और उनके पिता बस ड्राइवर के रूप में काम करते थे। मैसूर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यश बैंगलोर अपने एक्टिंग ड्रीम को पूरा करने आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नंदा गोकुला नाम के कन्नड़ टीवी सीरियल से की थी। KGF 2 को लेकर यश के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और KGF चैप्टर 2 इस समय देश की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। रॉकी भाई के रूप में यश ये फिल्म अपने के साथ बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता के साथ चर्चा में है। लगता है सीक्वल बहुत बड़ा होने वाला है। 2018 में KGF के पहले भाग ने कुछ बड़ी नंबर में रैंकिंग करके देश में धूम मचा दी। अब अच्छे सीक्वल के साथ KGF 2 ने एक बड़ी बस कायम की है और अब ये मोस्ट अवेटेड फिल्म अपनी रिलीज की तारीख से कुछ ही दिन दूर है। हाल ही में KGF चैप्टर 2 की प्री बुकिंग शुरू हुई थी। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर हाइप नंबर्स में दिख रहा है क्योंकि अकेले हिंदी वर्जन में इम्प्रेसिव नंबर है। KGF 2 ने करीब 1.07 लाख टिकट बेचे हैं और वो भी 12 घंटे के भीतर, और उम्मीद की जा रही है 3 करोड़ टिकट्स बेची जाएंगी। आपको बता दें कि KGF फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के सीक्वल को और भी ग्रैंड लेवल पर बनाया जाएगा। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भी भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। क्या होती है कैरेक्टर्स को अलग नाम देने की वजह? क्या है अधीरा का मतलब? राइटर्स कैसे डेवलप करता है कैरेक्टर्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बंटी बबली चिंटू मिंटू लारा डोरा फलाना ढिमकाना, इसमें से आपका नाम है क्या? लेकिन आपका नाम क्यों रखा गया? क्यों आपके कजिन और आपका नाम अलग अलग है? सोचो। क्योंकि नाम हर इंसान की अपनी पहचान होता है, उसके नाम से ही लोग उसे बुलाते हैं। इसीलिए हम सब एक खास नाम और एक अलग आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं। ऐसे ही होता है फिल्मों में कैरेक्टर्स के नाम के साथ।
क्या आपने सोचा है कि क्यों हर फिल्म हर वेब सीरीज में हर कैरेक्टर का नाम अलग होता है? एक फिल्म में अलग अलग किरदार होते हैं और सबका अलग अलग नाम क्यों? तो आपको बता दें कि जब भी राइटर कोई कहानी लिखता है तो उसके दिमाग में वो कहानी का स्क्रीन की तरह प्ले होती रहती है, या यूं कहें कि एक राइटर उस कहानी को फील करने लगता है। जब वो किसी कहानी को फील करता है तो उसके दिमाग में उस कहानी के कैरेक्टर्स अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे कोई पान वाला चाय वाला है, उसका नाम प्रोबेबली फिल्मों और नाटकों में राजू श्यामू यही सब होते हैं, क्योंकि चाय वाले पान वाले स्वीट होते हैं, उन्हें कहां किसी से हथियार लेकर लड़ने जाना होता है। इसी तरह फिल्मों के हर कैरेक्टर को उसकी क्वालिटीज के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे कोई बहुत शक्तिशाली है, फिल्म का सीरियस विलन है, तो उसे मोगैम्बो, शेरा आदि नाम दिए जाते हैं। वैसे ही एक नाम अभी काफी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो है अधीरा। सुनने में ऐसा लग रहा है मानो कोई भारी भरकम इंसान जो काफी शक्तिशाली है। जी हाँ, आपने सही सोचा, यही नाम है KGF 2 में आने वाली विलन का, जो आजकल अपने खूंखार अंदाज, कूल लुक और शक्तिशाली शख्सियत के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस खूंखार लुक का अधीरा नाम कैसे रखा गया। तो आपको बता दें कि अधीरा के नाम का मतलब है एक मजबूत और बड़ी शख्सियत। अधीरा का किरदार फिल्म में काफी मजबूत है और साथ ही शक्तिशाली भी, जो आपको ट्रेलर देखकर अंदाजा भी हो गया होगा। जब अधीरा कहता है, कह दो मैं आ रहा हूं अपनी KGF लेने, उसकी शक्ति उसकी दमदार आवाज में नजर आ रही थी। शायद इसीलिए इसे ये नाम दिया गया, ताकि ये ना तो पुराना नाम लगे और आज का यूथ इसे खुद से कनेक्ट भी कर सके। बता दें KGF फिल्म 2 में अधीरा का एक विलन की भूमिका में होगा, वहीं रॉकी उर्फ यश एक गैंगस्टर हीरो के किरदार में होगा। फिल्म में रवीना का भी एक अहम किरदार होने वाला है, जो 14 अप्रैल 2022 को सिनेमा में आने वाली है। वरुण तेज की फिल्म को झेलना होगा भारी नुकसान। कौन सी साउथ फिल्म में जल्द आने वाली है फैंस की एंटरटेनमेंट के लिए? दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस साल आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में, फिल्म की रिलीज और उसके साथ आने वाली दूसरी फिल्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 इस साल 14 अप्रैल पर आने वाली है, और अब तो कुछ ही दिनों में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है और सभी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। वहीं यश की KGF चैप्टर 2 के साथ विजय थलापति और पूजा हेगड़े की डार्क एक्शन कॉमेडी और थ्रिलर फिल्म बीस्ट भी रिलीज होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फिल्म में सेम स्टाइल की और दोनों में ही तगड़ा एक्शन दिखने वाला है। साथ ही यश और विजय दोनों ही साउथ सुपरस्टार विद लॉयल फैंस हैं। दोनों का क्लैश होने वाला है। खबर यह है कि सुपर क्लैश से बचने के लिए और फैंस को एक फेयर चॉइस देने के लिए दोनों में से एक फिल्म एक वीक प्रीपॉन्ड हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो वरुण तेज की घनी जो 8 अप्रैल को रिलीज होने वाली है उसे क्लैश झेलना पड़ सकता है। आपको यह भी बता दें कि तेलुगु फिल्म घनी बहुत बार पहले भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अगर बीस्ट पहले रिलीज होती है तो घनी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन KGF चैप्टर 2 प्रीपॉन्ड होती है तो फिल्म को क्लैश के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल तो मेकर्स कॉन्फिडेंट है और शायद इसलिए वो KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्म को टेक ऑन करने के लिए भी रेडी है। दोस्तों, साल 2022 फिल्म इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस साल थिएटर्स पूरी तरह से ओपन हुए हैं और साथ ही बड़े स्टार्स की बिग बजट फिल्में रिलीज होने जा रही है, पर ज्यादातर फिल्में साउथ की हैं। पुष्पा के बाद हाल ही में रिलीज हुई पवन कल्याण राणा दग्गुबाती के भीमला नायक और अजीत कुमार बली में रिलीज हुई और दोनों ने ही ऑडियंस को काफी इम्प्रेस किया हुआ है। और साथ ही मार्च में प्रभास की राधे श्याम, रामचरण और जूनियर NTR की RRR जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, और उसके बाद अप्रैल में यश की KGF चैप्टर 2, विजय स्टारर बीस्ट, प्रभास की सालार, RC-15 जैसी फिल्में 1x1 रिलीज होने वाली है। साथ ही KGF चैप्टर 1 की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद प्रशांत नील और यश से काफी उम्मीदें हैं फैंस को। साथ ही बॉलीवुड स्टार्स संजय दत्त और रवीना टंडन की फिल्म में एंट्री ने फिल्म का बस बढ़ाया हुआ है। KGF चैप्टर 2 ने फिल्म मार्केट में एक ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि फिल्म के प्रीपॉन्ड या पोस्टपोन्ड होने से इस फिल्म को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस फिल्म के साथ रिलीज होने वाली बाकी की फिल्म्स को जरूर फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस साल आने वाली कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। होगी वापसी यश के लिए, नहीं तो किसके लिए आएगा अधीरा? क्या हो सकता है फिर से गरुड़ा का राज? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दक्षिण भारतीय हिट फिल्मों की जब भी बात की जाएगी तो केजीएफ 2 का नाम जरूर आएगा। साउथ के फेमस हीरो यश ने रॉकी भाई के किरदार निभाकर कई रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, लेकिन इस फिल्म में यश के अलावा अगर किसी और ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो है केजीएफ का विलन। खतरनाक लुक से गरुड़ा ने सबका दिल जीत लिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गरुड़ा का रोल निभाने वाले राजू असल जिंदगी में एक बॉडीगार्ड थे। साउथ के स्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर शुरुआत से ही काफी बज बना रहा है और अब फिल्म के पहले पार्ट में विलेन रहे गरुड़ा सबको याद आ रहे हैं। गरुड़ा यानी कि रामचंद्र राजू ने 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 से ही अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म में उन्होंने विलन का रोल ऐसे दमदार तरीके से निभाया कि लोग कायल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामचंद्र एक्टिंग की दुनिया में एंट्री लेने से पहले बतौर बॉडीगार्ड काम कर रहे थे। रामचंद्र अपनी पहली फिल्म के हीरो यानी कि यश के बॉडीगार्ड थे। फिल्म में रामचंद्र की परफॉर्मेंस देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये उनकी पहली फिल्म थी और उनका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा दमदार थी कि लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। रामचंद्र राजू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक्टर बनेंगे, लेकिन असलियत कभी कभी सपने से हसीन होती है। फिल्मों में आना भी उनके लिए एक इत्तेफाक ही था। दरअसल केजीएफ के राइटर स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए यश के पास पहुंचे थे। यहां उन्होंने रामचंद्र को देखा और उन्हें देखते ही गरुड़ा के किरदार में फिट कर दिया। राइटर ने रामचंद्र को एक बार ऑडिशन देने को कहा और फिर उनका रोल पक्का हो गया। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि जो गरुड़ा सबको लगता है कि मर गया, लेकिन वो मरा ही नहीं हो। तो जी हाँ, गरुड़ा की वापसी हो रही है केजीएफ 2 में, लेकिन केजीएफ 2 के राजा के रूप में नहीं, बल्कि वहाँ के दास और गुलाम के रूप में। अब गरुड़ा अपनी ही सोने की खान में काम करेगा और वही अनुभव लेगा जो वो लोगों को आज तक देता रहा था, ताकि उसको भी पता चल सके कि इंसान की जान कितनी कीमती होती है। इसीलिए अधीरा की एंट्री होगी, जो अपने भतीजे को छुड़ाने आएगा, लेकिन खुद ही राजनीति कर जाएगा। और इसके भैया कहते हैं कि इसे राजनीति नहीं आती। तो आपको क्या लगता है, क्या गरुड़ा की होगी वापसी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। केजीएफ की कौन सी है वो किरदार जिसके डायलॉग ने पूरी मूवी को पलट दिया था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ केजीएफ चैप्टर 2 से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दर्शकों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम सिर्फ जंग जीतोगे, लेकिन अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली और तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे। केजीएफ की कहानी शुरू एक छोटे से बच्चे से हुई थी। उसकी छोटी सी मुट्ठी में तब सिक्कों की खनक भले ही कम थी, लेकिन जिगर में पूरा समंदर था। वो हीरो नहीं बनना चाहता था, बनना था तो विलेन। ये छोटा सा पौधा कब कोलार गोल्ड फील्ड के लिए बरगद बन गया किसी को खबर नहीं लगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस पौधे के बीज को जिस माँ ने सींचा था उसके सिर्फ एक डायलॉग ने पूरी मूवी को पलट दिया था। अगर अपने आखिरी वक्त में उस माँ ने अपने बेटे रॉकी से जीत कर आने की कसम नहीं ली होती तो मिट्टी से सनी खदान में सोने सा चमकता रॉकी भाई पैदा नहीं होता। किरदार छोटा था लेकिन असरदार था। ये किरदार निभाया 27 साल की कन्नड़ एक्ट्रेस अर्चना रोवेस ने। रॉकी की माँ का किरदार निभाने वाली अर्चना ने अपने किरदार से खूब सुर्खियाँ बटोरी थी। आइए आपको बताते हैं अर्चना रोवेस की प्रोफाइल के बारे में, जिन्होंने अपने चंद मिनटों के किरदार से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। KGF Chapter 1 ने साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा पर खास छाप छोड़ी थी। 250 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करने वाली सुपरस्टार यश की KGF के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। कोलार की सोने की खदानों को लेकर कन्नड़ मूवी KGF ने धूम मचा दी थी। KGF की कहानी किरदार मूवी का केंद्र से लेकर हर कलाकार खूब लोकप्रिय हुआ था। अब मूवी के दूसरे पार्ट की बात करें तो बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद एक्टर यश स्टारर मूवी KGF चैप्टर 2 निश्चित रूप से इस साल रिलीज होने वाली सबसे मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया सीक्वल में से एक है। एक्शन से भरपूर ड्रामा KGF चैप्टर 2 को देखने के लिए दर्शकों का उत्साह काफी बढ़ गया है और ऐसा लगता है कि मूवी के सिनेमा घरों में हिट होने से पहले ही
मेकर्स और फैंस के बीच ये एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है। दरअसल दर्शकों, KGF चैप्टर 2 के मेकर्स मूवी का ट्रेलर रिलीज करने से पहले फैंस को उत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यश स्टार मूवी के एक नए पोस्टर के साथ मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार मूवी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी और इसका ट्रेलर रिलीज होगा 27 मार्च 2022 को। यश की अपकमिंग मूवी KGF चैप्टर 2 चैप्टर 1 से कितनी अलग होगी? क्या संजय दत्त का किरदार पड़ेगा यश पर भारी? या रवीना टंडन का किरदार पलट देगा पासा? इतिहास हमें बताता है कि ताकतवर लोग ताकतवर जगहों से आते हैं। दोस्तों, इतिहास गलत था, ताकतवर लोग जगह को ताकतवर बनाते हैं। KGF चैप्टर 2 के टीजर को रिलीज हुए एक साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन फैंस के दिलों में ये डायलॉग आज भी गूंज रहा है। और वो भी क्यों ना, आखिर KGF चैप्टर 1 ने जिस लेवल का एंटरटेनमेंट दर्शकों को दिया, उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है। 2018 में रिलीज हुए कन्नड़ फिल्म KGF को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि हर एक की जुबान पे रॉकी का किरदार निभाने वाले एक्टर यश का ही नाम था। लेकिन अब लगभग 4 साल बाद इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि KGF के मेकर्स ने KGF चैप्टर 2 की फाइनल ट्रेलर मूवी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, जिसमें ट्रेलर 27 मार्च और मूवी 14 अप्रैल तक रिलीज होगी। हालांकि इससे पहले भी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने को जरूर मिलने वाली है। KGF चैप्टर 1 की तरह इस फिल्म का लेखन और निर्देशन डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया और ये होमेबल फिल्म्स के बैनर के तले बनी, जिसे तेलुगू, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। अब इस फिल्म में हमें KGF चैप्टर 1 के आगे की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें फैंस को कई नए और ताकतवर किरदार देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बाज है संजय दत्त के कैरेक्टर अधीरा का, जो देखने में किसी योद्धा से कम नहीं लगते। और इस फिल्म में हमारे फेवरेट कैरेक्टर रॉकी के साथ अधीरा का हैंड इन हैंड कॉम्बैट देखने को मिल सकता है और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मूवी में रॉकी का सबसे ताकतवर दुश्मन होगा। यश के अपोजिट श्रीनिधि शेट्टी है, जो रीना का किरदार निभा रही है, और टीजर से हमें पता चलता है कि उनकी कैरेक्टर को इस मूवी में भी और डेप्थ दी गई है। वही प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के किरदार में रवीना टंडन के लुक को भी खूब सराहा जा रहा है, और खबरों की माने तो वो इस फिल्म में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि रॉकी को रोक सकती है। अब इस फिल्म में रॉकी के इतने सारे विलन हैं कि उंगलियों में गिनना मुश्किल होगा। उनमें से एक नाम इनायत खलील का किरदार निभाने वाले कलाकार बालकृष्णा का भी है, जो इस पार्ट में रॉकी को कड़ी टक्कर देंगे। दर्शकों में इस बात को लेकर उत्साह है कि इतने सारे अपोनेंट्स के होते हुए भी कैसे रॉकी KGF की कमान अपने हाथ में रखेंगे और अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। रोमांस और एक्शन से भरपूर इस फिल्म का पूरा बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है, और ऑडियंस के क्रेज को देखकर लगता है कि ये फिल्म भी पार्ट 1 की तरह ब्लॉकबस्टर साबित होगी। सालों से फैंस अपने फेवरेट कैरेक्टर रॉकी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब है। कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, पर अब ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि मेकर्स इस इंतजार को किस तरह बुनने में कामयाब रहते हैं। पार्ट 1 में रॉकी को जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इससे कई ज्यादा चुनौतियां पार्ट 2 में उसका इंतजार कर रही है। पर जो भी है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। क्या अच्युत कुमार की थी KGF पहली हिट फिल्म? क्यों अच्युत कुमार को है ये फिल्म पसंद? Hi everybody, this is Sachi, your host for today with another interesting media. आजकल जिस फिल्म के हर जगह चर्चे हो रहे हैं, वो है फिल्म KGF चैप्टर 2। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी पहली पार्ट लोगों को इतनी पसंद आई, उसकी कहानी भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, और इसलिए लोग अब इंतजार कर रहे हैं तो बस KGF चैप्टर 2 का। वैसे इस फिल्म में भी आपको वो हर एक कैरेक्टर दिखाई देगा जिसकी वजह से ये फिल्म हिट साबित हुई थी। वैसे इस फिल्म में भी गुरु पंडियन का किरदार आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। जो बदलाव देखने को मिलेगा वो ये हो सकता है कि उनका कैरेक्टर बीच में ही खत्म हो जाए, या यूं कह ले कि उनकी मौत हो जाएगी। अब ऐसा करना तो फिल्म की कहानी की डिमांड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनके कैरेक्टर की पावर खत्म हो जाएगी। अब खत्म होगा भी कैसे, क्योंकि उनके किरदार को उसी तरह देखेंगे जैसे KGF चैप्टर 1 में हमने देखा था।
अब देखना ये है ऑडियंस अच्युत कुमार को कितना पसंद करते हैं। बात करें फिल्म की तो ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में यश, श्रीनिधि, प्रकाश गए थे यश उडुपी, कहाँ खेला यश ने क्रिकेट, कहाँ है उडुपी जिला, किस स्टूडियो में बना है केजीएफ 2 का संगीत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर कुंडापुर में केजीएफ 2 स्टार यश की स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हुए वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सभी की सराहना हो रही है। बता दें, यश, निर्देशक प्रशांत नील और निर्माता किरंगादूर की फिल्म केजीएफ 2 के गानों को अंतिम रूप देने के लिए कुंडापुर स्थित संगीत निर्देशक रवि बसरूर के स्टूडियो में थे। लेकिन क्या आपको पता है कहाँ है उडुपी जिला? बता दे, ये भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय उडुपी है। जिला अरब सागर के तट के किनारे पर बना हुआ है और मंगलूर से उत्तर में पड़ता है। यहाँ प्रसिद्ध मणिपाल शैक्षणिक संस्थान है जो शहर के आसपास फैला है। धार्मिक परंपरा में द्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन और कार्यभूमि यही नगरी रही है। भारत में अभी भी कई ऐसे जिले और राज्य हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इंडियन सिनेमा हमें इससे अवगत कराता है। आज सिर्फ सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि कई सारी जरूरी बातों को हम तक पहुंचाने का एक सहारा बन गया है, जिसका उदाहरण ये जिला है। वैसे बता दे, यश एंड टीम ने काम से समय निकालकर रवि बसरूर के स्टूडियो के बगल में मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला। यश की खेल भावना की काफी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल की तरह बल्लेबाजी की और स्वैग के साथ विकेटों के बीच दौड़े। साथ ही केजीएफ 2 की टीम ने विशेष पूजा अर्चना करने के लिए प्रसिद्ध कोलूर मुकाम्बिका मंदिर का दौरा किया और देवी से आशीर्वाद मांगा। टीम ने अनेगुड्डा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बता दे, फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है, जिसकी कहानी रमिका सेन की कुर्सी से शुरू होते हुए अधीरा के महल तक जाएगी। लेकिन अधीरा और रमिका की मुलाकात पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं होगी। दोनों ही फिल्म में काफी पावरफुल दिखाए हैं और पावरफुल लोगों का कभी आमना सामना नहीं होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों के शूटिंग टाइम और शेड्यूल की वजह से फिल्म कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। किस फिल्म से क्लैश होते होते बच गई? क्या कनेक्शन है संजय दत्त का रॉकी नाम से? क्या अब नहीं चलेगा नौरा का जादू? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। यश कन्नड़ के सुपरस्टार तो हैं ही, पर अब देश की शान बन चुके हैं और ये सब उनकी मेहनत और ऑडियंस के प्यार का नतीजा है। दोस्तों, 2004 से उन्होंने एक कन्नड़ सीरियल से अपना सफर शुरू किया और आज वो केजीएफ स्टार के नाम से बुलाए जाते हैं। दोस्तों, सब तरफ उनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। दर्शक तो उनकी एक झलक देखकर ही पागल हो रहे हैं। उनकी फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 ने तो जबरदस्त धमाका कर ही दिया है, पर अब फिर से एक बार पार्ट 2 के साथ वो हाजिर होंगे दर्शकों के सामने। ऐसा आपको एक बात बताएं, दरअसल दोस्तों रॉकी नाम के साथ संजय का एक पुराना रिश्ता है, कह सकते हैं ये नाम उनके लिए काफी लकी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि उनकी डेब्यू फिल्म का नाम भी रॉकी था, जो कि उस समय काफी सुपरहिट रही थी और अब वो इस फिल्म में भी अपना दमदार परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। तो हुआ ना जबरदस्त कनेक्शन। लेकिन दोस्तों, फिल्में बस किसी से नहीं चलती हैं। दर्शकों को मसाले के लिए कुछ तड़कता भड़कता डांस नंबर भी चाहिए होता है। अब ऐसे में दोस्तों, महबूबा गाने पर अपना सिजलिंग अंदाज दिखाने वाली हैं नौरा फतेही का डांस तो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा चुका है। उनके बेली डांस के काफी दीवाने देखने को मिलेंगे, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सारे गानों में उनका एक ही अंदाज देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा बोरिंग हो चुका है।
इसे कुछ हटके करने की दर्शकों की मांग है और फिर आइटम सॉन्ग की रेस में मलाइका अरोड़ा, मौनी रॉय, राखी सावंत जैसी कई मशहूर अदाकारा भी तो शामिल हैं, जो कुछ अलग कमाल दिखा सकती हैं। और तो और दोस्तों, अब तो फिल्म पुष्पा से समांथा ने भी साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। इस बार तो कुछ हटके देखने को मिलेगा ही, ऐसी दर्शकों को आशा है। और एक खुशखबरी जानना चाहते हैं तो पहले तो आपको पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रिलीजिंग डेट को लेकर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि टॉलीवुड में भी काफी सारी मुसीबतें आ रही हैं। जैसे कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी उसी समय आ रही है, पर साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आने वाली फिल्म बीस्ट, जो 14 मार्च को रिलीज होने वाली थी, उसे मेकर्स ने किसी कहा आमिर के भाई फैजल खान ने फिल्मों के क्लैशेस के ऊपर, किसको दी पुनीत राजकुमार ने बधाइयां। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। कैसे हैं आप सब लोग? हम जानते हैं कि जब से केजीएफ 2 का ट्रेलर पोस्टर रिवील हुआ है, आपके लिए इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है, पर कोई नहीं दोस्तों, अब काफी कम समय बचा है फिल्म को रिलीज होने में। तब तक के लिए हम कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। केजीएफ की सक्सेस के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील ने सेकंड पार्ट बनाने का फैसला किया था और आप लोगों का इतना सारा प्यार देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है और यकीन भी है कि दर्शक इस फिल्म को भी उतना ही प्यार देने वाले हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश फिर से एक बार रॉकी भाई का जबरदस्त अंदाज दिखाने आ रहे हैं। फिल्म में एक्शन मसाला होगा ही, क्योंकि ये कहानी गैंगस्टर के बीच की है। इस बार अधीरा फिल्म का खतरनाक विलन रॉकी भाई को चुनौती देने वाला है। वहीं अधीरा का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। वहीं दोस्तों, बता दें कि फिल्म की लीड हीरोइन होने वाली हैं खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी और उनके साथ पॉलिटिकल तड़का लगाने आ रही हैं रवीना टंडन। वैसे ट्रेलर जब से सामने आया है तब से सबके होश उड़ गए हैं। दर्शक तो हैरान थे ही, पर सेलिब्रिटीज भी दंग रह गए। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन भी इसमें पीछे नहीं है। उनके हिसाब से एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाना बहुत बड़ी बात है। टीजर देखने के बाद उन्होंने यश के जन्मदिन पर कहा कि टीजर जबरदस्त है और साथ ही में आप भी, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, ऑल द बेस्ट। उनके बाद सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और मोहनलाल ने भी खूब तारीफ की है। कन्नड़ इंडस्ट्री के अन्ना यानी कि मेगा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार अब हमारे बीच नहीं है, पर उनके अकाउंट से भी यश को ढेर सारी बधाइयां दी गई हैं। फिल्म के रिलीज के पहले ही इतनी चर्चा हो रही है तो इसे सुपरहिट बनने से आखिर कौन रोक सकता है। हाँ दोस्तों, ये बात तो है कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर काफी बदलाव होने की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड की भी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज होने को हैं। अब देखिए, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी उसी वक्त रिलीज होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि क्लैशेस तो होंगे ही। और इस पर कहते हुए आमिर के भाई डायरेक्टर फैजल खान ने कहा, मैंने देखा रिलीजिंग डेट को लेकर काफी परेशानी हो रही है, पर दोनों ही फिल्में कमाल की हैं और अगर ये दोनों एक दिन रिलीज होंगी तो मैं चाहूंगा कि दोनों को ही उतना प्यार मिले, क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ है जब फिल्म लगान और गदर आमने सामने आई थी। वेल गाइस, प्रशांत, अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। क्या कंफर्म हो गए हैं फिल्म के ब्रॉडकास्ट राइट्स? कहां पहुंची फिल्म की पूरी टीम मन्नत मांगने? केजीएफ चैप्टर 2 के प्रीमियर पर दिन पर दिन देरी के बाद प्रोडक्शन टीम ने पुष्टि की है कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। केजीएफ चैप्टर 2 का प्रीमियर अक्टूबर 2020 के एंड में होने वाला था, लेकिन चल रहे कोरोना वायरस महामारी और संजय दत्त के हेल्थ इश्यू से जुड़े प्रॉब्लम्स के कारण इसे डिले करना पड़ा। 6 जुलाई को प्रशांत नील द्वारा एक नई पोस्टर इमेज शेयर की गई थी। शुक्र है हमें उसके बाद बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेन लीड एक्टर यश ने अगस्त 2021 में अपने सोशल मीडिया पेज पर पुष्टि की कि 14 अप्रैल 2022 के लिए एक नई डेट सेट की जाएगी। नई रिलीज की तारीख के साथ यह पता चला कि जी नेटवर्क ने ऑफिशियल तौर पर केजीएफ चैप्टर 2 के कन्नड़,
तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन के स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं। जी तमिल तमिल भाषा की डबिंग को ब्रॉडकास्ट करेगा, जिसमें जी तेलुगु, जी कन्नड़ और जी केरलम मलयालम डबिंग के लिए ब्रॉडकास्ट करेंगे। इंटरनेशनली खबरें ऐसी आई हैं कि अमेज़न प्राइम वीडियो मई 2020 से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मार्च 2021 में नई अफवाहें ऑनलाइन फैलने लगी कि फिल्म को अमेज़न पर 55 करोड़ रुपए में बेचा गया था। हालांकि लेट्स ओटीटी ग्लोबल ट्विटर पेज ने कहा कि अमेज़न प्राइम अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन डिजिटल रिलीज पर बातचीत कर रहा है। KGF चैप्टर 2 के हिंदी डब वर्जन की प्लानिंग यश द्वारा खुद की जाने वाली थी। उन्होंने कहा कि वह हिंदी डायलॉग्स के लिए अपने एक्सेंट को परफेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि जब यह बात पता चली कि यश डबिंग पर काम नहीं करेंगे, यह कहते हुए कि बड़े पर्दे पर दर्शकों के एक्सेंट को समझना मुश्किल हो सकता है, वहीं हाल ही में एक खबर सामने आई। कन्नड़ स्टार यश ने KGF चैप्टर 2 टीम के साथ कोल्लूर मुकाम्बिका मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना करने गए थे। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए KGF चैप्टर 1 की रिलीज से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। वे पिछले दो दिनों से प्रमोशन शुरू करने की तैयारी में हैं। KGF चैप्टर 2 काफी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। Since नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। आई एम इन्फोर्सिंग द आर्मी। आई एम साइनिंग अ डेथ वारंट ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया। क्या आपसी फूट से होगा रॉकी को फायदा? क्या अधीरा हो जाएंगे रॉकी की साइड? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। जब भी हम थिएटर में किसी फिल्म को देखने जाते हैं, तो हमें उस फिल्म से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर हम किसी फिल्म को देखने जाने से पहले उस फिल्म के बारे में रिसर्च करते हैं, फिल्म के बारे में आए रिव्यूज पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से उस फिल्म की रेटिंग्स और फिल्म के बारे में पूछते हैं। अगर इसके बाद जब हम फिल्म को देखकर वापस आते हैं, तो सबको उस फिल्म के बारे में अक्सर बताते हैं। इसे ही कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, और अक्सर इस वर्ड ऑफ माउथ से ही किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप होने का पता चलता है। जब KGF चैप्टर 1 थिएटर्स में लगी थी, तो सभी ने इस फिल्म की तारीफ की और अपने दोस्तों और जानने वालों को इस फिल्म को देखने के लिए कहा, और कुछ ऐसे ही ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म बन गई। अब ये तो सभी जानते हैं कि इस फिल्म का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, और ऐसे में सभी को इस फिल्म के सीक्वल से बड़ी उम्मीद है, और साथ ही इस फिल्म के सीक्वल को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है KGF चैप्टर 2 में। हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि इस बार रॉकी अपनी मां को किए गए वादे को पूरा करेंगे।
और अगर कोई भी उनके इस वादे को पूरा करने के रास्ते में आता है तो रॉकी उसे छोड़ेगा नहीं। जिससे हमें ये तो पता चलता है कि इस बार हमें रॉकी का बहुत ही खतरनाक और खूंखार वर्जन देखने को मिलने वाला है। केजीएफ पार्ट 1 का एंड रॉकी के साथ खत्म हुआ था, जिसमें रॉकी करुणा को मारने के बाद केजीएफ का राजा बन जाता है। अब रॉकी की मदद से सूर्यवर्धन के 5 सपोर्टर्स एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन, कमल और अधीरा सोने की खान पर अपना हाथ रखने की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर कर देते हैं, यानी कि करुणा को मरवा देते हैं रॉकी के द्वारा। अब कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि रॉकी की वजह से इन सबके बीच फूट पड़ जाएगी और सबके अलग अलग प्लान्स हैं। और आखिर में अधीरा रॉकी की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। ये होने वाला है केजीएफ चैप्टर 2 में। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। फिल्म के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है श्रीनिधि ने। टीम क्यों कर रही है संजय दत्त को सलाम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब दिन पर दिन सबकी नजरें एक ही फिल्म पर टिकी हुई है और वो है केजीएफ 2, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे रॉकी भाई। रॉकी की एक झलक देखकर दर्शक दीवाने हो रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो अभी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 का जादू अभी तक कम नहीं हुआ है। दर्शकों को आज भी फिल्म की कहानी से लेकर डायलॉग तक सब कुछ याद है और अब उसी जादू को दुगना करने के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील चैप्टर 2 को लेकर आ रहे हैं। सुपरस्टार यश फिर से एक बार फिर रॉकी भाई के अवतार में नजर आने वाले हैं। उसके स्टाइल को हर तरफ कॉपी किया जा रहा है। वैसे बात करें कहानी की तो इस बार और हटके होने वाली है। फिल्म में दुश्मनी लड़ाई तो देखने को मिलेगी ही, पर साथ में काफी सीक्रेट्स को रिवील किया जाएगा। सारी मुंबई पर राज करने के लिए और सबसे अमीर बनने के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश भी होगी। एक्शन के साथ साथ यश का रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिलेगा उनकी हीरोइन यानी कि श्रीनिधि शेट्टी के साथ में। श्रीनिधि 2016 की मिस डीवा रह चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। अब वैसे तो श्रीनिधि इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं, पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरा सपना था और इसके लिए मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ी। मेरे पास इस फिल्म से पहले 7 फिल्मों का ऑफर मिला था, जिसमें 2 तेलुगु, 2 तमिल और 3 कन्नड़ फिल्म शामिल थी, पर इस मेगा फिल्म को हाथ से जाने देना मतलब बहुत बड़ी भूल होती। पर खैर, अभी इसके बाद श्रीनिधि के पास काफी अच्छे ऑफर आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। अब मिलते हैं फिल्म के विलन से, जिसका नाम है अधीरा, और अधीरा का किरदार निभाने वाले हैं बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त यानी कि संजू बाबा। संजय ने भी बताया कि उनका साउथ इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। उनके काम के साथ साथ फिल्म की पूरी टीम ने और एक वजह के लिए उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया था। फिल्म की शूटिंग से पहले संजय कैंसर से लड़ रहे थे, हालांकि अभी वो बिल्कुल ठीक हैं, पर वो दौर उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था इमोशनली और फिजिकली। पर तब भी एक जज्बे के साथ उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरा करने का वादा शिद्दत से निभाया और इसीलिए यश ने भी उनके जज्बे को सलाम किया था। ये फिल्म तो सुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है, पर एक अवार्ड फंक्शन में यश को केजीएफ के लिए अवार्ड मिला था, तब उन्होंने ऑडियंस से एक वादा किया था। उन्होंने ऑडियंस से कहा था कि कन्नड़ इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाने का हम सबका सपना जरूर पूरा होगा। अधीरा के लुक से हुआ किस कन्नड़ एक्टर का कंपैरिजन? इसके बारे में क्या बोले केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील? क्या दोनों के बीच कंपैरिजन करना होगा गलत? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। फिल्म केजीएफ 2 को लेकर लोगों के एक्साइटमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें दूसरी फिल्म में भी केजीएफ के एक्टर्स ही नजर आते हैं, या यूं कहें कि केजीएफ के कैरेक्टर्स उन्हें दूसरी फिल्म में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब कन्नड़ एक्टर श्रीनगर केटी ने अपनी आने वाली फिल्म
गोबली से अपना पोस्टर रिलीज किया जिसमें उनका फिल्म में होने वाला लुक दिखाया गया है। तब तक कई लोगों ने उनके लुक को केजीएफ 2 के अधीरा यानी कि संजय दत्त के लुक से कंपेयर करना शुरू कर दिया। वहीं जैसे ही इसके बारे में केजीएफ चैप्टर्स के डायरेक्टर को पता चला, उन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी। आपको बता दें कि इस पर उनका ये कहना था कि केजीएफ 2 में अधीरा का लुक वाइकिंग्स के रॉ ब्रूटली से इंस्पायर है और गोवली के मेकर्स श्रीनगर केटी को अपने हिसाब से अलग लुक देने की कोशिश की गई है, इसीलिए इन दोनों के लुक को कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर की इस बात को न सुनते हुए अभी भी लोगों ने फिल्म गोवली को ट्रोल करना बंद नहीं किया। अब ट्रोलर्स चाहे जो भी कहें, लेकिन मेकर्स उनके कहने पर फिल्म में कैरेक्टर के लुक को फिर से डिजाइन नहीं करेंगे। अब आगे देखना तो ये होगा कि केजीएफ 2 के कारण श्रीनगर किट्टी की फिल्म पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता या इसकी वजह से फिल्म का फ्री में प्रमोशन होता है। वैसे केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर तो यही बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी। फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन इस बार मेकर्स ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार फिल्म तय तारीख पर ही रिलीज की जाएगी। आपको बता दें क्या है डायरेक्टर प्रशांत नील की स्ट्रेटजी, कौन से बंधन तोड़े डायरेक्टर ने केजीएफ के साथ, क्या है उनके आगे के प्लान्स। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। कहते हैं कि कहानी एक फिल्म की सच्ची आत्मा है। हालांकि बड़े पैमाने पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक राइटर को अपनी कहानी को इस तरह से लिखने की जरूरत है कि वो अपनी लिखी कहानी से ऑडियंस को बांध कर रखे, इमोशंस के साथ एक क्लियर संदेश भेजे जिसमें लैंग्वेज बैरियर ना हो। और केजीएफ के डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील की फिल्में इस कसौटी पर खरी उतरती हैं और इसीलिए उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और उनकी कहानियों से ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज के बाद दर्शकों के हीरो यश, नाम तो सुना ही होगा, की तारीफ करते नहीं थके। अजीब तरह से यश के रूथलेस अवतार ने कई लोगों का दिल जीत लिया। दिलचस्प बात यह है कि जब जनवरी में केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर जारी किया गया था तो एक्टर के फैंस और फॉलोवर्स उनके इंटेंस लुक पर गौर ही नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार ट्रेलर में बहुत कुछ नया और अनोखा देखने को मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। इसी तरह डायरेक्टर की दूसरी अपकमिंग फिल्म सालार के पहले पोस्टर में प्रभास को पहले कभी ना देखे गए अवतार में देखा गया, क्योंकि उन्होंने एक डार्क और इंटेंस रूप से पोर्ट्रे किया गया था जो थोड़ा सा हटकर था, लेकिन बहुत प्रशंसा मिली। लोगों के दिलों से अभी तक बाहुबली का सुरूर नहीं उतरा है, तो कह सकते हैं बाहुबली से सालार का सफर प्रभास के लिए फिलहाल बढ़िया रहा है। प्रशांत नील की आने वाली फिल्मों के दिलचस्प टीजर और पोस्टर रिलीज के बाद हम अब बड़े पर्दे पर कुछ एक्चुअल एक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कई बड़े नाम, स्टंट्स और सीक्वेंसेस आपको दिखाई देने वाले हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की एंडिंग अधूरी थी जिसने कई लोगों को एक्साइटमेंट में छोड़ दिया था, इसीलिए अगली कड़ी से कुछ अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की उम्मीद की जा सकती है, जो रॉकी के बारे में कुछ गंभीर और डार्क सीक्रेट्स का खुलासा करेगा। लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है कि प्रशांत ने केजीएफ 2 के लिए कुछ शानदार एक्टर्स को नहीं लिया है। कुछ नए कैरेक्टर्स को गहराई से उभरते हुए निर्देशक ने संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज के साथ
कई टैलेंट और नामी एक्टर को इस फिल्म से जोड़ा है, जैसे रमेश राव, संजय दत्त के डेडली कैरेक्टर अधीरा के रूप में और रवीना रमिका सेन के रूप में भारत की प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को इस बार मिलेगी। साथ ही इनायत खलील भी लौट रहा है। अब आगे क्या होगा इसको लेकर तो हम प्रशांत नील पर भरोसा रख ही सकते हैं। दूसरी ओर हालांकि सालार और #NTR31 के दूसरे कलाकारों का खुलासा होना बाकी है। ये निश्चित रूप से एक ग्रैंड अफेयर होगा जब निर्माता एट द एंड नामों की ऑफिशियल घोषणा करेंगे। प्रशांत की पिछली दो फिल्मों में उग्रम और KGF ने कुछ कैप्टिवेटिंग फाइट सीक्वेंस दिखाए। ये मेक श्योर किया जा सकता है कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स भी पूरी तरह से एक्शन फिल्म लवर्स के लिए होंगे। KGF 2 और सालार एक्शन के तो एक्शन सीन्स के लिए आप सब वैसे ही काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक तरफ रॉकी हैं और दूसरी तरफ बाहुबली और अम्बरीव द्वारा इन एक्शंस को कोरियोग्राफ किया जाएगा, जिन्होंने पहले भी KGF के लिए काम किया है। वहीं जूनियर NTR प्रशांत नील की फिल्म में या तो कुचिपुड़ी डांसर या एक राजनीतिक नेता की भूमिका निभाएंगे, जो हाई वोल्टेज स्टंट भी करता दिखाई देगा। खैर, अभी के लिए हम KGF चैप्टर 2 पर ही फोकस करेंगे, जो अप्रैल 14 को इसी साल रिलीज के लिए तैयार है। तो क्या आप भी प्रशांत का कोई पुराना दुश्मन, क्या है इसकी चाहत? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, खुशखबरी है उन सब के लिए जो रॉकी यानी सुपरस्टार यश के डाई हार्ड फैंस हैं। यश की एक झलक दर्शकों के दिलों दिमाग पर सवार हो जाती है। इसके पहले भी सुपरस्टार ने जोरदार धमाका किया है फिल्म KGF चैप्टर 1 में, पर कहानी यहीं तक कैसे रुकेगी? चैप्टर 2 में भी उनके इसी सुपरहिट अंदाज को फिर से देखने का मजा ही कुछ और होने वाला है। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। KGF का ये डायलॉग दर्शकों के दिलों को मानो छू गया हो। अपनी माँ की इच्छा को पूरा करते हुए यश यानी रॉकी सुपर खिलाड़ी बने। वैसे KGF चैप्टर 1 में तो आपने देख ही लिया कि कैसे रॉकी ने अपने धांसू अंदाज से दुश्मनों पर राज करने का प्लान बनाया था, कैसे वे सबको गुमराह करके कामयाब हो गए। अभी तक उसके दुश्मनों की गिनती कम नहीं हुई है। वही दुश्मन फिर से एक बार पर्दे पर रॉकी से लड़ते हुए नजर आएंगे और उन्हें करारा जवाब देने के लिए रॉकी लेकर आ रहा है KGF चैप्टर 2। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि दर्शक इंतजार कर रहे थे पार्ट 2 का, पर अब सबका इंतजार खत्म हो चुका है। KGF चैप्टर 2 बिल्कुल तैयार है आपके मनोरंजन के लिए। रॉकी की रावड़ी लुक आपने तो देखी ही है, वही लंबी दाढ़ी, मूछें, चेहरे पर गिरते बाल और आंखों में गुस्सा, यही है रॉकी की पहचान। रॉकी की चाल, उसका मुंह में सिगरेट दबाकर घूमना और सबको टशन दिखाना काफी जबरदस्त दिख रहा है। ट्रेलर में और एक बात है कि रॉकी का एक पुराना दुश्मन सामने आ चुका है उसके साथ लड़ने के लिए, जो चैप्टर 1 में भी था, पर अब उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। उसका नाम है अधीरा, जो रॉकी से अपना पुराना बदला लेने आ रहा है। उसे रास्ते से हटाकर और खुद मुंबई का राजा बनना चाहता है। अधीरा का किरदार निभाएंगे बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त। संजू बाबा से जब इस रोल के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि ये किरदार काफी जबरदस्त दिखने वाला है, इसका स्टाइल, इसकी दुश्मनी सब दर्शकों को पसंद आने वाली है। वैसे देखा जाए तो संजय दत्त का लुक भी कुछ कम नहीं है। चेहरे पर अनोखे निशान, कानों में बाली, आंखों में काजल और अलग हेयरकट काफी खतरनाक दिख रहा है। फिल्म में इसके अलावा दिखेंगी रॉकी भाई की हसीना रीना देसाई यानी एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी, जो हमें KGF चैप्टर 1 में भी दिख चुकी हैं, जो इस बार भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। फिर से एक बार रॉकी के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। फिल्म की कामयाबी के लिए फिल्म के कुछ खास लोग और यश मैंगलुरु के एक मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने गए थे, या यूं कहें भगवान से सेटिंग लगाने गए थे। अब मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद होना इन सुपरस्टार्स के लिए भी बहुत जरूरी है। होमेबल फिल्म्स जैसे बड़े बैनर के साथ के जी
KGF 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं मशहूर डायरेक्टर प्रशांत नील, जो फिल्म के सीक्वल को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। चैप्टर 1 की सक्सेस के बाद उन्हें इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें हैं। उनका ये कहना है कि इस फिल्म को भी दर्शक उतना ही प्यार देंगे। KGF 2 के साथ हम और एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं। इसमें काफी सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे और कई सीक्रेट्स खुलेंगे। उस फिल्म को लेकर काफी कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप। हमें आशा है कि दर्शक उसके लिए भी उतना ही इंतजार करेंगे। वैसे फिल्म के रिलीज के बारे में बताया जाए तो KGF 2 हमें 14 अप्रैल 2022 को देखने को मिलेगी। जैसे रॉकी कहता है कि डर होना चाहिए और वह भी दिल में होना चाहिए, उसी तरह रॉकी को दर्शकों का ढेर सारा प्यार चाहिए और हर बार चाहिए। आपके हिसाब से भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी, सिंस 1951। सिर्फ ट्रेलर देखकर ही हिल गया है। अगर पूरी फिल्म देखा दी ना, तो सोचने के साथ क्या होगा? कौन से सीन्स पर लगा कॉपी पेस्ट का ठप्पा? कौन सी फिल्मों के सीन चुराए प्रशांत नील ने? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। KGF 1 एक ऐसी फिल्म रही जिसने न केवल पूरे देश की पब्लिक को दीवाना बनाया, बल्कि फिल्म के हीरो यश को स्टार से सुपरस्टार भी बना दिया। और इस सुपरस्टार की जबरदस्त फिल्म का आ रहा है सीक्वल, यानी KGF 2। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बेहतरीन फिल्म के कई सीन्स ऐसे थे जो किसी और फिल्म से मिलते जुलते नजर आते हैं, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। जी हाँ, फिल्म 70s और 80s की एक रियल स्टोरी कोलार गोल्ड ऑफ फील्ड पर बेस्ड है। ऐसे ही एक और क्लासिक हॉलीवुड फिल्म द गुड द बैड एंड द अगली फिल्म से ये इंस्पायर्ड लगती है, क्योंकि इस फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो एक बिल्कुल अलग भाषा का था। और KGF में भी अगर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक पर ध्यान दिया होगा तो वो आपको थोड़ा थोड़ा इजिप्शियन म्यूजिक की याद दिला देगा, जो वापस से हमें आने वाले सीक्वल में भी सुनने को मिले, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो KGF 1 में दिखने के बाद वापस से KGF 2 में दिखेंगी। ऐसे में फिल्म के कुछ सीन्स देख आपको बाहुबली की याद तो जरूर आई होगी। फिल्म बाहुबली में जहां एक 100 फुट का एक बड़ा स्टैचू माहेश्वरी किंगडम में रहता है, जिसे खींचने के लिए न जाने कितने स्लेव्स लगे रहते हैं, लेकिन जैसे उनके हाथ से रोप छूटने को होती है, तभी वहां मुंह कवर करके एक महान इंसान आता है और स्टैचू को रस्सी से खींचता है, और जैसे उसका चेहरा दिखाते सभी जोर जोर से सब नारा लगाते हैं बाहुबली बाहुबली। और ऐसा ही सेम सीन KGF 2 के फर्स्ट लुक में दिखाया गया, जहां यश ब्लू और व्हाइट शर्ट में पूरी लीडर वाली वाइब दे रहे हैं, जहां कुछ लोगों का एक ग्रुप रस्सी की मदद से एक मैसिव पिलर खींच रहे हैं और उस पोस्टर के कैप्शन में लिखा था रीबिल्डिंग द एम्पायर। कई लोगों ने इस पोस्टर को देखने के बाद कहा कि ये बाहुबली फिल्म के उसी एक्शन सीन से मिलता जुलता लगता है, जिसके बाद कई वेबसाइट्स पर इसके लिए फिल्म को काफी ट्रोल किया गया। ठीक ऐसे ही फिल्म की कहानी में रॉकी भाई लोकल लोग जो KGF में काम करते हैं उनकी मदद करता है और उनको स्लेवरी से बचाता है। ठीक ऐसे ही एक हॉलीवुड फिल्म ब्लड डायमंड में भी देखने को मिला था, जहां अफ्रीका में डायमंड माइन का काम होता था और आसपास के लोगों को स्लेव्स की तरह उस डायमंड माइन में काम करना पड़ता था, और रॉकी की तरह ही वहां भी एक मसीहा आया डैनी आर्चर, जो उन सब लोगों को स्लेवरी से बचाता है। दोनों ही फिल्मों में रॉकी का पार्ट इस पार्ट से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन असल खुलासा तो अब होगा जब KGF 2 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर आएगी। तभी उठेगा राज कि डायरेक्टर ने बाहुबली और हॉलीवुड की और किन किन फिल्मों से कॉपी किए हैं फिल्म के सीन्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है
इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। KGF 2 में संजय दत्त ने एक्शन सीन के लिए क्या किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। कन्नड़ सुपरस्टार यश की धमाकेदार फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर लंबे समय से चर्चा है। इसका पहला चैप्टर काफी पसंद किया गया था और लोगों ने इसको भरपूर प्यार दिया था। ऐसा कहा जाता है इस फिल्म के बाद यश का कद बढ़ा है और दूसरा चैप्टर काफी धमाकेदार होने वाला है। लेकिन ये फिल्म संजय दत्त के कारण और भी बड़ी होने वाली है क्योंकि वो इस फिल्म में एक दमदार नेगेटिव रोल में आ रहे हैं। संजय दत्त को इस फिल्म के लिए दमदार एक्शन सीक्वेंस शूट करना था और इसके लिए उनको बॉडी डबल दिया जा रहा था। खबरों की माने तो अभिनेता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद संजय दत्त ने खतरनाक एक्शन सीक्वेंस खुद ही शूट किए हैं जो कि चर्चा में है। संजय दत्त इस फिल्म में अधीरा के किरदार में नजर आने वाले हैं जो पहले पार्ट में सामने आया था। हालांकि उस फिल्म में अधीरा का चेहरा नहीं दिखाया गया था लेकिन इतना तय हो गया है कि वो इस फिल्म में बड़ा धमाका करने वाले हैं। संजय दत्त पहली बार किसी कन्नड़ फिल्म में काम करने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म में अभिनेत्री रवीना टंडन भी बेहतरीन किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म की रिलीज को लेकर कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के केस देश में बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई बड़ी फिल्मों को आगे ढकेला गया है। साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR को 7 जनवरी को रिलीज नहीं किया गया था क्योंकि देश में एकाएक कोरोना के केस बढ़ने लगे थे, वो भी ओमिक्रॉन के, जो कि एक नया वेरिएंट है। इसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया या यूं कहें तो टाल दिया गया। इसका एक और कारण ये भी था क्योंकि SS राजामौली की ये फिल्म काफी बड़े बजट की फिल्म है और इस वक्त देश में थिएटर्स पूरी तरह से खुले नहीं हैं। यही कारण है कि मेकर्स ने इसको टालने का फैसला लिया। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी। इसको लेकर फैंस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। क्या रीजन है फिल्म को एक साथ बड़े पर्दे पर उतारने का? रियल में कौन सी भाषा का चलन बढ़ा था KGF के समय? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। KGF फिल्म्स की बैकग्राउंड स्टोरी कोलार गोल्ड माइंस पर बेस्ड है जिसमें डायरेक्टर ने थोड़ा फिक्शनल ड्रामा भी ऐड किया है। वहीं क्या आप जानते हैं कि कोलार गोल्ड माइंस जब अपने चरम पर थी उस वक्त KGF 30,000 माइंस वर्कर्स और उनके परिवारों का घर था और दुनिया भर से अनुभवी माइनर्स के साथ एक मल्टी एथनिक कम्युनिटी थी जिनमें से एक बड़ा हिस्सा कार्नवाल से था। जो खदानें खुली तो लोकल लोग वहां काम करने से ना खुश थे क्योंकि ये बेहद खतरनाक काम था, इसीलिए तमिलनाडु और से मजदूर शिफ्ट कर गए और तमिल फिर ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक आम भाषा बन गई। KGF में एक बड़ी एंग्लो इंडियन आबादी थी जिनमें से कई ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश वर्कर्स की भूमिका निभाई। ये सब बातें आपको फिल्म में तो देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ, असल KGF की कहानी का ये एक अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में अब 14 अप्रैल 2022 को आ रही है KGF 2 और साथ ही उसी दिन आ रही है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सारी डेट्स छोड़कर आमिर ने 14 अप्रैल ही क्यों चुना? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि आमिर खान की फिल्म जो पिछले 3 साल से बन रही है और जिसके बारे में हर वक्त ये कहा जा रहा था कि फिल्म अब आएगी, लेकिन हुआ क्या, फिल्म कब आ रही है? इस साल। फिल्म में इतने डिले के चलते जहां दर्शकों का मन फिल्म से उठ सा गया था और फिल्म कहीं खो सी गई थी,
लेकिन जब से फिल्म के क्लैश का बज उड़ा है केजीएफ 2 के साथ, तब से आमिर की फिल्म सुर्खियों में रहने लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि फिल्म को केजीएफ 2 के सामने लाना एक तरह से लाल सिंह चड्ढा फिल्म के लिए अटेंशन पाना हो सकता है। वहीं दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि शायद मेकर्स को ये पता लग चुका है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर इतना धमाल नहीं मचा पाएगी, लेकिन आमिर का स्टारडम और उनकी आने वाले फिल्म्स मोगुल पर इतना काफी असर पड़ेगा अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो। लेकिन अगर फिल्म केजीएफ 2 जैसी दमदार फिल्म के सामने फीकी पड़ेगी तो मेकर्स को कवर अप करने में काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि केजीएफ 2 के सामने टिकना कितना मुश्किल है। ऐसे में ये देखना कितना मजेदार होगा कि इस लड़ाई में जीत तो केजीएफ 2 की ही फिक्स है। हमें ये देखना है कि आमिर खान की फिल्म भारती किस लेवल। अधीरा के लुक से हुआ किस कन्नड़ एक्टर का कंपैरिजन? इसके बारे में क्या बोले केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील? क्या दोनों के बीच कंपैरिजन करना होगा गलत? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। फिल्म केजीएफ 2 को लेकर लोगों के एक्साइटमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें दूसरी फिल्म में भी केजीएफ के एक्टर्स ही नजर आते हैं, या यूं कहें कि केजीएफ के कैरेक्टर्स उन्हें दूसरी फिल्म में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब कन्नड़ एक्टर श्रीनगर केटी ने अपनी आने वाली फिल्म गोबली से अपना पोस्टर रिलीज किया जिसमें उनका फिल्म में होने वाला लुक दिखाया गया है, तब तक कई लोगों ने उनके लुक को केजीएफ 2 के अधीरा यानी कि संजय दत्त के लुक से कंपेयर करना शुरू कर दिया। वहीं जैसे ही इसके बारे में केजीएफ चैप्टर्स के डायरेक्टर को पता चला, उन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी। आपको बता दें कि इस पर उनका ये कहना था कि केजीएफ 2 में अधीरा का लुक वाइकिंग्स के रॉ ब्रूटली से इंस्पायर है और गोबली के मेकर्स श्रीनगर केटी को अपने हिसाब से अलग लुक देने की कोशिश की गई है, इसीलिए इन दोनों के लुक को कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर की इस बात को न सुनते हुए अभी भी लोगों ने फिल्म गोवली को ट्रोल करना बंद नहीं किया। अब ट्रोलर्स चाहे जो भी कहें, लेकिन मेकर्स उनके कहने पर फिल्म में कैरेक्टर के लुक को फिर से डिजाइन नहीं करेंगे। अब आगे देखना तो ये होगा कि केजीएफ 2 के कारण श्रीनगर की टी की फिल्म पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता, या इसकी वजह से फिल्म का फ्री में प्रमोशन होता है। वैसे केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर तो यही बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी। फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन इस बार मेकर दिखेगा रॉकी का स्लेव्स के लिए प्यार? क्यों नहीं दिखाए हैं गुरु पांड्यान के ट्रू इंटेंशंस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। अक्सर हम किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को अपना फेवरेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस एक्टर या एक्ट्रेस की अदाकारी हमें पसंद आती है और हम उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। शाहरुख खान के फैंस उनकी रोमांस भरी फिल्मों के फैंस हैं, और वहीं दूसरी ओर आमिर खान, जिन्हें बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और उनके फैंस भी उनके इसी अंदाज के लिए उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं।
वहीं अगर हम फिल्म मेकर्स की बात करें तो जहां एक तरफ करण जौहर को उनके फैंटेसी क्रिएट करने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप को अपनी रियलिटी दिखाने वाली हार्ड हिटिंग फिल्मों के लिए जाना जाता है। आजकल बड़े पर्दे पर हमें पैन इंडिया फिल्में भी देखने को मिल रही हैं और ऐसे में जब फैंस को काफी समय से इंतजार है केजीएफ फिल्म के सीक्वल का, तो सब कयास लगा रहे हैं कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी फिल्म मेकिंग के तरीके में ऐसा क्या दिखाएंगे जिससे वो जीत पाएंगे देश भर की ऑडियंस का दिल। जहां तक केजीएफ की बात करें तो हम आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म 2018 की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 के आगे की कहानी बताएगी और इस फिल्म में संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज के साथ यश बड़े पर्दे पर फिर से दिखेंगे। कई लोगों का कहना है कि केजीएफ 2 में हमें एक खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 1 में जबकि एंड्रयूज और राजेंद्र देसाई के इरादे क्लियर थे, पॉलिटिशियन गुरु पांड्यान ने भी अभी तक अपना असली रूप नहीं दिखाया है और हमने अधीरा को भी बहुत कम देखा है। हमने देखा है कि रॉकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है और वो स्लेव्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर चुका है। वो उतना पत्थर दिल नहीं है जितना वो केजीएफ में शुरू के समय था। रॉकी अब केजीएफ चैप्टर 2 में इन स्लेव्स को आजाद कर देगा, जो शायद बाकियों के लिए अच्छा नहीं होगा और शायद ये ही होने वाला है केजीएफ चैप्टर 2 में एक बड़ा ट्विस्ट। अब हम तो इस फिल्म के इस प्लॉट ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। और आप, क्या लगता है कर पाएंगे ऑथेंटिसिटी को मेंटेन? ओवर हाइप के चक्कर में क्या निराश करेगी केजीएफ 2? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। टॉलीवुड फिल्मों को पूरे भारत में पसंद किया जाता है। साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की इतनी दीवानगी है कि लोग नई फिल्म आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस बार लोगों को बंपर एंटरटेनमेंट का डोज मिलने वाला है। दरअसल इंडस्ट्री की कई फिल्में लगातार रिलीज होने वाली हैं, जिसे लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। KGF 2 का ट्रेलर रिलीज हुए काफी लंबा वक्त बीत चुका है, ऐसे में फैंस को कन्नड़ स्टार यश की फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसका पहला भाग भी लोगों को खूब पसंद आया था। बाहुबली सीरीज की तरह ही KGF चैप्टर 1 को भी फैंस ने खूब पसंद किया था और पूरे देश में फिल्म के चर्चे थे। अब KGF चैप्टर 2 फिल्म को भी पैन इंडिया 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि KGF का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में आए इस फिल्म के नाम कई रिकॉर्ड बने। ये पहली कन्नड़ मूवी थी जिसने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं ये चौथी हिंदी में डब की गई फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील दूसरे भाग में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त केजीएफ चैप्टर 2 में डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म में संजय दत्त खलनायक अधीरा की भूमिका निभाएंगे। KGF 2 कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी सहित भाषाओं में रिलीज होगी। KGF के पहले पार्ट की इतनी तारीफ और हाइप हुई थी कि लोगों को इस फिल्म के दूसरे पार्ट से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इस ओवर हाइप के चक्कर में कहीं ये फिल्म फैंस को निराश ना कर दे, इसका ही डर सबके दिल और दिमाग में है। आपको बता दें कि इस डर को दूर मिटाने के लिए प्रशांत नील ने KGF 2 के सेट पर एक ऐसा माहौल बना रखा था जहां सब पूरी मेहनत से काम करते थे और चाहे वो फिल्म के स्टार यश हो या फिर कोई क्रू, सभी को सेम ट्रीटमेंट मिलता था। प्रशांत ऐसा फिल्म में ऑथेंटिसिटी और एक डाउन टू अर्थ फील के लिए करते थे। अब हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म फैंस के स्टैंडर्ड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर पाएगी। अब फिल्म की कहानी और फिल्म के किरदार लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म की रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को Thank you.
बार कहानी में क्या होने वाली है इनायत खलील की वापसी। KGF 1 के बाद ऑडियंस जहां KGF 2 की राह देख रही है, ऐसे में मेकर्स ने फिल्म के रिलीजिंग डेट को अब लॉक कर दिया है, जिससे दर्शक अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं फिल्म को 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। अब ऐसे में पिछले साल आई फिल्म का टीजर, जिसे देख के हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो चुका है। अब ऐसे में KGF फैंस को आज हम बताएंगे कि टीजर में आपने कौन सी डिटेलिंग मिस की होगी, जो बॉलीग्राड स्टूडियोज आपको याद दिलाएगा और बताएगा कि आखिर इस बार फिल्म में किसकी होगी एंट्री। KGF चैप्टर 2 का टीजर तो सबने देखा होगा, जिसके बाद कई जगहों पर ये सुनने को मिला कि फिल्म के टीजर में दिखाए गए एक सीन में जहां रॉकी यानी यश मशीन गन से पुलिस की गाड़ियां उड़ा रहे हैं और उन गाड़ियों पर लगा नंबर प्लेट टीजर पर ही एक बड़ी गलती बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कोई गलती नहीं है, दरअसल गाड़ियों के नेम प्लेट पर MY और MYA लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें कि फिल्म KGF 70s और 80s के समय पर बेस्ड फिल्म है और उस दौरान कर्नाटक स्टेट का प्रायर नेम मैसूर था और फिल्म में डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए उस दौर का नेम प्लेट यूज किया गया है। वहीं इस सीन में जिस पुलिस स्टेशन की झलक दिखी, जिसका नाम है येलाहंग का पुलिस स्टेशन, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि बैंगलोर की एक जगह है जहां पहले बैंगलोर से अलग हुआ करती थी, पर इतना एक्सपांशन हो चुका है तो अब ये बैंगलोर का हिस्सा बन चुका है। अब ऐसे में टीजर देख के तो ये समझ आ चुका है कि इस बार भी फिल्म में भर भर के स्लो मोशन एक्शन और सीन्स होंगे, क्योंकि जो जो प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्मों को पहले देख चुके हैं उनको पता होगा कि प्रशांत नील स्लो मो शॉट्स के कितने बड़े दीवाने हैं। अब इस बार की फिल्म में भी आपको KGF चैप्टर 1 के सारे दमदार एलिमेंट्स चैप्टर 2 में भी देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो फिल्म का एक्शन सीन हो, इमोशनल एलिमेंट हो या फिर फिल्म के किरदार हो। फिल्म में काफी एरियल शॉट्स देखने को मिलेंगे, जो फिल्म को एक बड़े रेंज का मजा ऑडियंस को देने में सफल साबित होगी। टीजर से वैसे एक बात तो क्लियर समझ आ रही है कि रॉकी अपने किए हुए वादे को बिल्कुल नहीं भूलते और फिल्म में इस बार भी इमोशनल एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को कहानी से कनेक्ट करके रखेगा। फिल्म में इस बार सभी कैरेक्टर्स पूरी तरह से उभर कर सामने आएंगे, जिसमें इनायत खलील, जिसको भी KGF की चाहत है, वो फिल्म के टीजर में उनकी भी झलक दिखाई पड़ रही है, जो हू बहू इनायत से मिल रही है। अब ऐसे में पिछले पार्ट में रॉकी के चलते इसके प्लान फेल हो गए थे और लेकिन अगर इन चैप्टर 2 में लाया गया तो इसका किरदार डार्क कैरेक्टर प्ले करते दिख सकते हैं। वहीं टीजर में आपको एक सीन में देखा होगा कि जहां कुछ लोग CBI ऑफिस के बाहर हैरान और परेशान खड़ी नजर आ रहे हैं और एक गाड़ी काफी स्पीड से निकलती है। अब इस सीन से ये पता चल रहा है कि KGF 2 की कहानी में इस बार CBI का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं रोमिका सेन के किरदार की कहानी से लिंक्ड अप होगा। अब ऐसे में इस डाउट को क्लियर करता है टीजर में दिखाई गई पूरी फोर्स की एंट्री। ये तो फिक्स है कि इस बार कहानी की पॉलिटिक्स का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा। वैसे पूरे टीजर में एक बात इंटरेस्टिंग देखने को मिली कि जहां KGF 1 में रॉकी अब KGF और उनके लोगों का मसीहा बन गया है, लेकिन KGF 2 के टीजर में वही पुराने लोगों के कपड़े देख के लग रहा है कि KGF 2 में उनके हालात में ज्यादा सुधार नहीं आया। अब ऐसे में क्यों नहीं आया, इसका जवाब हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगा। KGF 1 की तरह इस बार भी KGF 2 में काली माँ की पूजा होती दिख रही है, जिसमें रीना का कैरेक्टर निभा रही श्रीनिधि शेट्टी हाथ में थाल लेकर खड़ी है उस पूरे डेकोरा। Who
क्यों चाहिए फिल्म को वर्ल्ड वाइड फेम? क्या केजीएफ 2 होने वाली है इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म? क्या केजीएफ से भी बड़ा रिकॉर्ड सेट करेगी केजीएफ 2? क्या हो सकता है केजीएफ 2 के लिए फायदेमंद? फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज होने में भले ही अभी लगभग 2 महीने हो, लेकिन इस फिल्म का क्रेज लोगों में इस कदर बढ़ रहा है जैसे कि अगर फिल्म को कल भी रिलीज कर दिया जाए तो लोग अपना सब काम छोड़कर सबसे पहले फिल्म देखने थिएटर ही पहुंच जाएंगे। इसी क्रेज को देखते हुए मेकर्स की उम्मीद फिल्म से और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उन्हें तो यहाँ तक लगने लगा है कि केजीएफ 2 इस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म भी बन सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार केजीएफ चैप्टर 2 अपने पहले पार्ट से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड सेट कर सकती है। आपको तो याद ही होगा, जब फिल्म केजीएफ रिलीज हुई थी तब वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली फिल्म बनी थी जिसने अब तक का हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने नाम किया था। वहीं अगर केजीएफ 2 को बड़ा रिकॉर्ड सेट करना है तो फिल्म को अपना नाम वर्ल्ड वाइड फेमस होना होगा, जैसे कि फिल्म बाहुबली के साथ हुआ था। बाहुबली ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड लगभग 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसलिए अगर केजीएफ 2 भी कुछ ऐसा ही करती है तो वो आसानी से लाल सिंह चड्ढा को पीछे छोड़ देगी। अब केजीएफ तो सिर्फ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही स्पेशल थी, लेकिन केजीएफ 2 को उससे भी आगे निकलने के लिए इंडिया के साथ दूसरे जगहों पर भी हिट लिस्ट में शामिल होना होगा। वैसे ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मेकर्स की माने तो उन्हें लगता है कि फिल्म जब यूएसए में रिलीज होगी तो वहां से भी फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, जो फिल्म के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यूएसए में लोग फिल्म को इसलिए भी देखेंगे क्योंकि वहां पर फर्स्ट चैप्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया था, जिसके कारण उन्हें आगे की कहानी जानने में इंटरेस्ट जरूर होगा। अब इसमें से कितनी बातें सच होती हैं और फिल्म मेकर्स की उम्मीदों पर किस हद तक खरी उतरती है, ये तो हमें रिलीज के दिन पता चल जाएगा। आगे बात करें फिल्म की तो केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म के आपको यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि, अर्चना जोइस और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला पार्ट बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जिसके नहीं देखना चाहती ऑडियंस केजीएफ 2 में। यश की सिगरेट से किसके तन बदन में उठता है धुआं? यूं तो दुनिया भर में केजीएफ 1 के फैंस भरे पड़े हैं, लेकिन केजीएफ 2 में वापस वो सीन्स ना दिखाए जाने पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल केजीएफ 1 में कुछ ऐसे सीन्स थे जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा देते नजर आए थे, तो हमारा सवाल ऑडियंस से ये है कि क्या उनको फिल्म के कंटेंट से प्रॉब्लम है या फिर हमारे रॉकी भाई से? मानो स्टॉकिंग इज अ सीरियस ऑफेंस, पर रॉकी का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि वो एसआरके की तरह बाहें फैला के अपनी हीरोइन को अपने पास नहीं बुला सकता था। दरअसल रॉकी पहला ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बड़े पर्दे पर ऐसा करता हुआ नजर आया है। इससे पहले साउथ की फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह में भी कुछ ऐसा ही नजर आया था। जी हाँ, जब कबीर सिंह प्रीति को थप्पड़ मारते हैं तो उसे पोजेसिवनेस वाला प्यार कहा जाता है, पर जब वही हमारे रॉकी भाई अपने प्यार यानी रीना को स्टॉक करते हैं तो लोग उसे गलत कहते हैं। ये कैसा अन्याय है? केजीएफ 1 से यश का स्टारडम काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आने वाली फिल्म में अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से उनकी ऑडियंस भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन ऑडियंस को ये समझना होगा कि फिल्म में दिखाया गया कैरेक्टर बस एक काल्पनिक किरदार है और उसके द्वारा किए गए एक्शंस स्क्रिप्ट की डिमांड है, ना कि एक्टर की पर्सनल चॉइस। अब आप खुद ही सोचिए, प्यार में पड़े आशिक का जब दिल टूटेगा तो वो देवदास ही बनेगा ना? लेकिन फिर भी लोग इसे गलत कहते हैं। वो शाहरुख खान को कहते हैं कि वो अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ऑडियंस ऐसा सोचेगी तो हमें न्यू एज का देवदास कहां से मिलेगा? और अगर किसी को इस फिल्म से गलत मैसेज पहुंचता तो ऑडियंस स्टॉकिंग करती और सिगरेट फूंकती हुई नजर आती, ना कि यश की फिल्म के लिए हॉलीडे लेती हुई नजर आती और ना ही यश के बर्थडे के लिए नेशनल हॉलीडे की डिमांड करती। ऐसे में साउथ में स्वैग का चलन पहले से ही चलता आ रहा है, फिर चाहे वो गन चलाने का स्टाइल हो या फिर यश की सिगरेट जलाने का स्टाइल। और सीक्वल के आने से पहले ही इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने आप में ही ये दर्शाता है कि ऑडियंस केजीएफ 2 के लिए कितनी एक्साइटेड है।
तो एक बार फिर से अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते हो। Since 1951. कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी। आई एम साइनिंग अ डेथ वारंट ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया। क्या आपसी फूट से होगा रॉकी को फायदा? क्या अधीरा हो जाएंगे रॉकी की साइड? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। जब भी हम थिएटर में किसी फिल्म को देखने जाते हैं, तो हमें उस फिल्म से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर हम किसी फिल्म को देखने जाने से पहले उस फिल्म के बारे में रिसर्च करते हैं, फिल्म के बारे में आए रिव्यूज पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से उस फिल्म की रेटिंग्स और फिल्म के बारे में पूछते हैं। अगर इसके बाद जब हम फिल्म को देखकर वापस आते हैं, तो सबको उस फिल्म के बारे में अक्सर बताते हैं। इसे ही कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, और अक्सर इस वर्ड ऑफ माउथ से ही किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप होने का पता चलता है। जब KGF चैप्टर 1 थिएटर्स में लगी थी, तो सभी ने इस फिल्म की तारीफ की और अपने दोस्तों और जानने वालों को इस फिल्म को देखने के लिए कहा, और कुछ ऐसे ही ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म बन गई। अब ये तो सभी जानते हैं कि इस फिल्म का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, और ऐसे में सभी को इस फिल्म के सीक्वल से बड़ी उम्मीद है, और साथ ही इस फिल्म के सीक्वल को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है KGF चैप्टर 2 में। हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि इस बार रॉकी अपनी माँ को किए गए वादे को पूरा करेंगे, और अगर कोई भी उनके इस वादे को पूरा करने के रास्ते में आता है, तो रॉकी उसे छोड़ेगा नहीं। जिससे हमें ये तो पता चलता है कि इस बार हमें रॉकी का बहुत ही खतरनाक और खूंखार वर्जन देखने को मिलने वाला है। KGF पार्ट 1 का एंड रॉकी के साथ खत्म हुआ था, जिसमें रॉकी करुणा को मारने के बाद KGF का राजा बन जाता है। अब रॉकी की मदद से सूर्यवर्धन के 5 सपोर्टर्स एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन, कमल और अधीरा सोने की खान पर अपना हाथ रखने की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर कर देते हैं, यानी कि करुणा को मरवा देते हैं रॉकी के द्वारा। अब कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि रॉकी की वजह से इन सबके बीच फूट पड़ जाएगी, और सबके अलग अलग प्लान्स हैं, और आखिर में अधीरा रॉकी की मदद करने के लिए लेकिन आपको बता दी कि इस डायलॉग में बॉलीवुड की सच्चाई शायद से नहीं दिखती है। हो गए ना आप हैरान? वैसे इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड को रोनी धोने वाले और इमोशनल सीन्स बेहद पसंद है, और इसीलिए ही बॉलीवुड के फिल्म मेकर सभी सारी फिल्मों में रोनी धोने वाले और इमोशनल सीन्स को भरपूर डालते हैं। इसी के साथ बता दें कि जब भी आप किसी थिएटर में मूवी को देखने जाते हैं और अगर आप रो देते हैं, तो मानिए कि वो फिल्म का काम सक्सेसफुल है और वो हिट ही होने वाली है। इसी के साथ आपको भी ये पता है कि अब साउथ की फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने लगी है, तो ऐसे में उन्हें बॉलीवुड के ऑडियंस को मद्देनजर रख करके फिल्मों को बनाना पड़ता है, और इसीलिए हमें साउथ की फिल्मों में भी इमोशनल सीन्स देखने को मिलने लगी है।
इसी के साथ हम बात कर रहे हैं केजीएफ 2 की। सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 को लेकर के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले पार्ट ने जो धमाका मचाया था उसके बाद सबको इसके सीक्वेंस का बेसब्री से इंतजार है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके पोस्ट प्रोडक्शन की काम पूरी हो चुकी है और जल्द ही यानी कि 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। और केजीएफ चैप्टर 1 के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद तो यही लगता है कि जब इसका सीक्वल आएगा तो वो भी सुपर जूपर हिट फिल्म ही साबित होगी, और इतना ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इस फिल्म के सीक्वल में हमें क्लाइमैक्स सीन देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि सिर्फ क्लाइमैक्स ही नहीं बल्कि खतरनाक क्लाइमैक्स है। और आपको ये भी बता दी कि ऐसा सुनने में आया है कि इस फिल्म के सीक्वल के लिए एक खतरनाक क्लाइमैक्स सीन लिखा गया है, जिससे दर्शकों का ये कहना है कि हो सकता है कि केजीएफ के मेकर्स ने फिल्म की एंड में यश के किरदार को मार दिया हो ताकि फैंस अपने चहेते किरदार के लिए आंसू बहाए। लेकिन आपको बता दें कि इस बार सिर्फ ऑडियंस ही नहीं होने वाले हैं जो अपने आंसू बहाएंगे, क्योंकि तेरे बाप की और तेरा बाप मैं। लड़ाई में कौन पहले? क्या रॉकी को होगा रमिका से प्यार? क्या खेल खेलेगा रॉकी? कहां से शुरू होगी कहानी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। फिल्म केजीएफ 2 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है, जो 14 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी। केजीएफ देखने के बाद दर्शकों को केजीएफ 2 देखने का लंबे समय से इंतजार है। दर्शकों में फिल्म की कहानी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है। केजीएफ 2 में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं। ऐसे में दर्शकों में इस फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई। फिलहाल फिल्म की कहानी पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन क्या है केजीएफ 2 की कहानी? तो यहाँ बता दें, केजीएफ चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से दिखाई जाएगी जहां से पहली फिल्म का द एंड हुआ था। केजीएफ फिल्म के अंत में यश यानी रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वो गरीबों में दम नहीं तोड़ेगा। रॉकी के इसी वादे पर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी आगे बढ़ेगी। केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा कि रॉकी का सपना है कि वो सोने के व्यापार पर राज करे, और इसीलिए वो इस काम में लगा हुआ है। फिल्म के पहले पार्ट में रॉकी गरीबों की मदद करके उनका मसीहा बन गया था। चैप्टर 2 में भी रॉकी गरीबों की मदद करते हुए नजर आएगा, लेकिन इसके साथ ही वो अपने सपने को भी आगे बढ़ाएगा। रॉकी की मुलाकात अधीरा यानी संजय दत्त से होगी। फिल्म में रॉकी और अधीरा के बीच सोने की खदानों को लेकर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। रॉकी अब काफी बड़ा हो गया है, वो राजनीति के खेल और माफियों के समीकरणों को समझने लगा है। फिल्म में उसका लक्ष्य अपने दुश्मनों को खत्म करने के साथ ही अपने सपने को पूरा करना भी है। फिल्म में अभिनेत्री रवीना टंडन भी है, जो एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाती नजर आने वाली है। फिल्म में रॉकी और रवीना टंडन के बीच लव एंगल दिखाया जाएगा। फिल्म में रॉकी और रवीना टंडन के बीच लव एंगल दिखाया जाएगा। रॉकी का प्यार उसके लक्ष्य के आड़े आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यार तो रीना थी ना, तो अब रमिका से प्यार कैसे होगा? तो यहाँ आपको बता दें कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, और यहाँ जंग जीतने के लिए एक झूठा प्यार भी करना पड़े। तो यश और श्रीनिधि के लिए आएगी मुश्किल, अधूरी रह जाएगी लव स्टोरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एक ही पल में कोई आपकी जिंदगी में सबसे करीब आ जाए और दूसरे ही पल में आपको उसे अपनी जिंदगी से दूर करना पड़े, सोचो उस पर क्या बीतती होगी। आप जानते हैं कि जिंदगी में सबसे मायूस होने वाली बात क्या है? जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है और किसी भी कारण से आपको उसे अपनी जिंदगी से जाने देना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की कहानी में कभी मिलन नहीं होता, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में सच्चा प्यार का टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और कहीं ना कहीं सारी लव स्टोरीज का द एंड हो ही जाता है। चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, ये जमाना प्यार करने वालों के लिए आसान नहीं है।
आखिर कहते हैं ना, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। हमने ऐसी कई कहानियां देखी हैं जहां लव स्टोरीज का एक प्यार भरा अंत होता है, लेकिन अब लगता है कि ऑडियंस को जल्द ही एक और अधूरी कहानी देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की। खबर है कि केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां फिल्म का पहला पार्ट खत्म हुआ था। कहानी में एक्टर यश के किरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वो गरीबों में नहीं मरेंगे। उसका ये वादा दूसरे भाग में पूरा होगा। साथ ही केजीएफ चैप्टर 2 में हमें रॉकी भाई और रीना की लव स्टोरी भी दिखाई देगी, लेकिन सुनने में आया है कि फिल्म में इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि इनको रॉकी की पावर की लड़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के लिए दर्शकों के बीच उत्सुकता का कारण एक रॉकी का और दुश्मन यानी कि संजय दत्त का किरदार अधीरा भी है। साथ ही आपको बता दें कि ऑडियंस केजीएफ चैप्टर 2 में श्रीनिधि शेट्टी जो फिल्म में रीना का किरदार निभा रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब श्रीनिधि इस फिल्म में अपने किरदार से लोगों को इम्प्रेस कर पाती है या फिर नहीं, ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। क्या एक बार फिर होमबेल फिल्म्स के साथ यश ने मिलाया हाथ? कौन सी होगी यश की अगली फिल्म? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। केजीएफ 1 के बाद अब केजीएफ 2 के साथ बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है यश। ऐसे में हाल ही में केजीएफ 2 के सभी स्टार कास्ट की फीस सामने निकल कर आई है, जिसमें फिल्म के हीरो यश ने सबसे ज्यादा फीस चार्ज की है, साथ ही फिल्म के प्रॉफिट में भी भागीदार बनेंगे। KGF 1 से लाइमलाइट में आने वाले रॉकी भाई की फिल्म KGF 2 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ऐसे में इसके बाद यश कौन सी फिल्मों में नजर आएंगे, ये जानने के लिए आप सभी एक्साइटेड होंगे। तो बता दें आपको कि पिछले साल के एंड के आसपास ट्विटर पर नाथन नाम के एक ट्विटर अकाउंट द्वारा एक पोस्ट शेयर किया गया जो काफी वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था कि यश की अगली अनटाइटल्ड फिल्म यश 19 का फर्स्ट लुक बड़े पर्दे पर 4 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। उस पोस्ट में होमेबल फिल्म्स का लोगो भी फीचर किया गया था और विजय किरागंडूर को भी टैग किया था, जो आने वाली केजीएफ 2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कई समय बाद पता लगा कि ये अकाउंट एक फेक अकाउंट था जो केवल एक बज क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। तो एक तरफ जहां सभी फैंस एक होप में बैठे थे कि शायद 4 नवंबर को कोई धमाका हो यश की नई फिल्म की अनाउंसमेंट से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर यश ने बताया कि वो केजीएफ 2 के बाद ही कोई नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे। ऐसे में यश की ये मास्टर प्लानिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि केजीएफ 2 जो आने से पहले ही इतने रिकॉर्ड तोड़ रही है, वो जब बड़े पर्दे पर आएगी तब कितना धमाल मचाएगी, इसका अंदाजा हर कोई अपने अपने तरीके से लगा रहा है। लेकिन यश की प्लानिंग थोड़ी अलग है। वो फिल्म की रिलीज के बाद इसलिए अपनी कोई नई फिल्म साइन करेंगे ताकि मार्केट में उनका लेवल सेट हो और वो एक अच्छी मोटी रकम प्रोड्यूसर से वसूले अपनी नई फिल्म के लिए। जहां केजीएफ 1 से यश ने 15 करोड़ से सीधे केजीएफ 2 में डबल चार्ज किया है पूरे 30 करोड़ का विद फिल्म प्रॉफिट के साथ, ऐसे में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में अपनी नई फिल्म पुष्पा 1 के लिए 30 से 32 करोड़ चार्ज किए और आने वाले पार्ट के लिए एडिशनल चार्ज करेंगे। वही सबके दिलों पर राज किया बाहुबली स्टार प्रभास ने बाहुबली 1 के लिए 20 करोड़ चार्ज किया और बाहुबली 2 के लिए 25 करोड़ और आज इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा क्या रमिका और रॉकी साथ में काम करेंगे? इन दो लोगों से हो सकता है केजीएफ को खतरा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो भाई साहब, जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा है, केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीजिंग डेट और भी ज़्यादा नज़दीक आती जा रही है।
पहले तो केजीएफ चैप्टर 2 के ऊपर अपनी प्रीक्वल फिल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करने का प्रेशर था, लेकिन इसी प्रेशर को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल कर दिया है अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी ने। पुष्पा मूवी हाल ही में केजीएफ मूवी के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए उससे आगे निकल गई। बता दें कि पुष्पा अब बस फिल्म बाहुबली से पीछे है, और एज अ केजीएफ फैन हमें कोई डाउट नहीं है कि जब केजीएफ चैप्टर 2 ऑन स्क्रीन रिलीज की जाएगी तो ये मूवी किसी एटमिक बॉम्ब से कम नहीं होगी। केजीएफ में ऑडियंस ने काफ़ी पेशेंटली इंतज़ार किया था ये देखने का कि क्या रॉकी केजीएफ को अपने अंडर कर सकेंगे या नहीं, जिसका जवाब था कि रॉकी गरुड़ा को मार कर खुद केजीएफ का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। रॉकी को प्रेजेंटली सबसे बड़ा खतरा होने वाला है दो लोगों से, एक तो केजीएफ के ऑफिशियली जो मालिक हो सकते हैं अधीरा उनसे, और दूसरा इनायत अली खान जो कि गरुड़ा की डेथ के बाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ केजीएफ को कैप्चर करने की ट्राई करेगा। लेकिन रमिका सेन जो कि इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली हैं, अगर रॉकी और रमिका एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं तो इससे रमिका को पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल लीडर का अपनी साइड होने से रॉकी भाई की पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं रॉकी और रमिका दोनों को ही एक दूसरे की सख्त ज़रूरत है, पर लग जाएगी रमिका द्वारा सैंक्शन सर्टिफिकेट जिसकी मदद से केजीएफ का सारा प्रॉफिट 100% रॉकी के कंट्रोल में रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या रमिका रॉकी से हाथ मिलाएगी? आपके अकॉर्डिंग इसका जवाब स्टार को बनना था रॉकी भाई। और आखिर तमिल वर्जन को लेकर क्या कहना है फिल्म मेकर्स का? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में, और दोस्तों मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। फिल्मों की दुनिया में आज केजीएफ चैप्टर्स का नाम सुपरहिट मूवीज की लिस्ट में सबसे ऊपर देखा जाता है, इसलिए इस फिल्म की रीमेक बनाने की सोचना कोई गलत बात नहीं है। वैसे दोस्तों आप में से शायद कई लोगों को पता ना हो कि जब फिल्म केजीएफ रिलीज हुई थी तब इसकी सक्सेस को देखकर एक फिल्म साउथ मेकर ने केजीएफ का तमिल वर्जन बनाना चाहा था, जिसके लिए उन्होंने हीरो को भी फाइनल कर लिया था। अब आपको बता दें कि उस केजीएफ के तमिल वर्जन में सुपरस्टार सूर्या को रॉकी भाई बनाया जाना था और ऐसा हो ना सका। दोस्तों फिल्म ना बनने का कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन कहा जाता है कि तमिल फिल्म मेकर्स को ये शक था कि शायद फिल्म उनकी उम्मीद जितनी कामयाबी हासिल ना कर पाए। वहीं जब केजीएफ के तमिल वर्जन के बारे में प्रशांत नील और उनके टीम मेंबर से पूछा गया तो इस पर उनका कहना था कि केजीएफ चैप्टर सिर्फ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही बने हैं, और ये बात फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार एंट्री से पहले ही साबित कर चुकी है। और जल्द ही दोस्तों केजीएफ फ्रेंचाइजी का अगला चैप्टर यानी कि केजीएफ 2 भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। अब फिलहाल के लिए तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है कि इस फिल्म का कोई और रीमेक बनाया जाएगा, लेकिन आगे भविष्य में देखना काफी दिलचस्प होगा कि कोई केजीएफ चैप्टर्स को कॉपी करने की सोचता है या नहीं। वैसे दोस्तों केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, श्रीनिधि और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर बताया जा रहा है कि एक बार फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स कायम करने वाली है। फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन इस स्टोरी पड़ी भीग, क्या डायरेक्टर को फिल्म का टाइटल चेंज करना चाहिए? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में,
दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन 2018 में बनी फिल्म KGF-1 की कहानी रियल कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी से कोसों दूर, जहां 1875 में माइनिंग के लिए गवर्नमेंट की परमिशन मिली। लेकिन फिल्म में कहानी 90s के दशक पर बेस है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। केवल कहानी ही नहीं बल्कि एक फिक्शनल फिल्म के अकॉर्डिंग भी हर चीज फिल्म में एक्स्ट्रा थी। यश अपने सभी इंटरव्यूज में एक ही बात अक्सर करते हुए दिखे, उनको अपनी फिल्म KGF को डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करने की इंस्पिरेशन उन्हें महान डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म बाहुबली से मिली। जबकि फिल्म की कहानी देश के सबसे बड़े खदान और माफिया के उस पर इलीगल कब्जे और कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड थी। लेकिन उस समय कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म में ट्रांसलेशन इतने खास नहीं थे, जिसके चलते वो फिल्म से इतना कनेक्ट नहीं कर पाए। अब वो कौन से लोग थे ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर लोग कंप्यूटर या फोन की स्क्रीन के पीछे बैठकर ट्विटर पर लिखते हैं विद एनोनिमस यूजर नेम। अब जिसके नाम में ही दम नहीं, उसकी बात में भरा दम हो सकता है क्या? लेकिन हमारे और फिल्म KGF के फैंस के अनुसार प्रशांत नील ने फिल्म की कहानी बड़ी ही बखूबी से लिखी, जहां उन्होंने कोलार गोल्डफील्ड से रॉकी की कहानी को कनेक्ट किया और फिल्म का सबसे बेस्ट किरदार रॉकी हमें दिया और फिल्म का मेन किरदार ही हर किरदार, चाहे वो विलन हो या रॉकी भाई का साथी, ऑडियंस को वो सब पसंद आया। पर रॉकी का किरदार ऐसा बनाया गया है कि वो एक राउडी हीरो से सबका मसीहा बन गया और उसकी पावर हो या स्टाइल हर कोई उसका दीवाना बन गया। और अब इस मसीहे की पूरी दुनिया KGF के सीक्वल के साथ बेसब्री से इंतजार कर रही। फिल्म KGF के लिए प्रशांत नील ने राजा मौली की फिल्मों से इंस्पिरेशन, लेकिन फिल्म का नाम हीरो के किरदार रॉकी पर नहीं रखा गया, जैसे कि राजा मौली ने अपनी फिल्म बाहुबली के साथ किया था। लेकिन हमारे अनुसार फिल्म का नाम रॉकी या रॉकी भाई का बदला ही रखा जाना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो रॉकी को रॉकी भाई बनाने में ही निकल गया। मानो ये KGF की कहानी नहीं बल्कि राउडी थंगम पर बायोपिक बनी, सॉरी मेरा मतलब था रॉकी भाई पर। फिल्म में कोलार गोल्डफील्ड की कहानी थोड़ी दिखी भी तो बस अत्याचार अत्याचार और सिर्फ अत्याचार दिखाने के लिए, और वहां भी स्क्रिप्ट राइटर ने कोई कसर नहीं छोड़ी रॉकी को मसीहा बनाने में। जहां आपको थोड़ा मजा आने लगता है, वहीं हो जाती है फिल्म में हीरोइन की एंट्री, जिसकी एंट्री का कोई मतलब ही नहीं कहानी से और ना ही लव एंगल से, और यही फिल्म का पेस और स्लो हो जाता है। ऐसे में आने वाली KGF-2 में बताया जा रहा है कि हीरोइन का रोल इम्पोर्टेंट है, जो हमें पिछली बार भी सुनने को मिला था, पर फिल्म देखते ही हमारा ये भ्रम भी टूट गया। अब वापस से इस टूटे हुए भ्रम को डायरेक्टर जोड़ पाते हैं या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं फिल्म के एडिटर द ग्रेट श्रीकांत की एडिटिंग की बात करें तो उनका काम ठीक ठाक था फिल्म, लेकिन इसमें इतने फ्लैशबैक्स थे कि प्रेजेंट सीन में ट्रांजिशन करते ही स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती, जो फिल्म से आपको डिस्कनेक्ट कर देती है, जैसे राइटर ने टाइटल को कर दिया कहानी से। लेकिन फिल्म के स्टंट्स इतने जबरदस्त थे और स्लोमो में जो उसे दिखाया गया है वो देख आप भी रॉकी से इंप्रेस हो गए होंगे, और इस बार भी फिल्म में ऐसे ही स्लोमो स्टंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसका अंदाजा फिल्म के टीजर से लगाया जा सकता है। लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले सीक्वल में इस बार मेकर यश को एक हीरो की तरह ही दिखाए, ताकि मसीहा से अपडेट देकर भगवान ही बना ले। और नहीं तो क्या, KGF-1 में हर बार स्लो मोशन में भगवान की तरह यश प्रकट हुई। माना साउथ की ऑडियंस अपने स्टार को भगवान मानती है, पर प्रशांत नील को समझना चाहिए ना कि इस बार वो फिल्म को पैन इंडियन सीक्वेंस के लिए रिलीज कर रहे हैं, और लगता है यश ने अपने किरदार को काफी सीरियस ले लिया है। तभी तो अपने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि सर क्या आप सेल्फी क्लिक करते हैं, जिस पर यश का जवाब आया था मैं सेल्फी नहीं लेता, मेरे फैंस मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। अब इनको तो लग रहा होगा कि यही भगवान। पहले की साउथ इंडियन फिल्मों में ओवर ड्रामेटिक एक्शन हुआ करते थे, और तेलुगु फिल्म KGF-1 देखकर आपको उन्हीं फिल्मों की याद आ गई होगी। फिल्म में छोटे 8 साल के रॉकी के कैरेक्टर की भी पंच लाइन, बड़े होने पर भी रॉकी के हर दूसरी लाइन में पंच लाइन, इवन हीरोइन जिसका पूरा 155 मिनट की फिल्मों में 20 सेकंड का किरदार है, उसकी स्क्रिप्टिंग में भी पंच लाइन। लेकिन फिल्म का यही एक्स्ट्रा ड्रामा ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता दिखा। पर अब फिल्म में इंसान इतनी पंच लाइन बोलेगा तो इंटरव्यू में भी पंच लाइन ही मारेगा ना, उसे अपने किरदार को मेंटेन जो रखना है। वहीं बात फिल्म के एक्शन की करें तो ये काफी स्ट्रेंज है, लेकिन फिल्म में हर एक्शन सीन में रॉकी को एक मुक्का तक नहीं लगा। इवन गुंडों के पास अपनी गन भी है, फिर भी वो हीरो के पीछे भाग रहे हैं, और हीरो उन्हें पूरे 5-10 मिनट अच्छे से धो रहा है, जैसे एक धोबी गार्ड में कपड़े धोता है। क्लाइमेक्स में तो मेन विलन गरुड़ा, जिसे ऐसा दिखाया गया मानो नेक्स्ट बाहुबली इनके साथ ही बनाई जाएगी, वो भी एक कुछ ही मिनटों में ढेर हो जाते हैं। प्रशांत नील को इसमें बाहुबली से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी कि हीरो मार भी रहा है, मार खा भी रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर ये खून उसका नहीं,
क्या केजीएफ की तरह केजीएफ 2 भी होगी यूएसए में रिलीज? क्या यूएसए और इंडिया में होगी सेम रिलीज डेट? क्या फिल्म को यूएसए में रिलीज करने से हुआ था फायदा? सुपरस्टार यश स्टारर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 बस कुछ ही महीनों में वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है। जी हाँ, इसका मतलब है कि फिल्म को इंडिया के अलावा बाकी देशों में भी रिलीज किया जाएगा। इससे पहले जब फिल्म का पहला पार्ट आया था तो उसे भी वर्ल्ड वाइड ही रिलीज किया गया था, और जिस देश से फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था वो देश था यूएसए। जी हाँ, और इसी वजह से इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाते वक्त मेकर्स ने यूएसए की ऑडियंस को ध्यान में रखा था। बताया गया है कि फिल्म केजीएफ ने यूएसए के बॉक्स ऑफिस में पूरे $1 मिलियन की कमाई की थी, जो कि फिल्म के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा है, और यही वजह है कि इस बार मेकर्स का ध्यान यूएसए के बॉक्स ऑफिस पर उतना ही होगा जितना कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। वैसे आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज डेट यूएसए में भी वही होगी जो कि इंडिया में होगी। ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि आज के टाइम में फिल्में चाहे किसी भी देश की हों या फिर किसी भी लैंग्वेज की हों, इन फिल्मों का एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया को एक साथ मिलता है। फिल्म केजीएफ 2 का क्रेज इंडिया में इतना है कि इस फिल्म का प्रमोशन अगर ना भी किया जाए तो भी ये फिल्म उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगी जितना कि इसे करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म का प्रमोशन करें, जिसके लिए टीम के मेंबर्स कई सारे इवेंट्स में नजर आ सकते हैं। अब तो ये फिल्म के मेकर्स ही जानते होंगे कि इस फिल्म को प्रमोशन की जरूरत है या नहीं है। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि पिछले पार्ट की तरह क्या केजीएफ 2 भी इंडिया के अलावा यूएसए में भी वही धमाल मचा सकती है या नहीं। अगर बात करें फिल्म की तो केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में अर्चना जॉयस के अलावा यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला पार्ट एक बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके कारण लोग फिल्म के आगे की कहानी को जानने के लिए बेकरार हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 फिर होमबेल फिल्म्स के साथ यश ने मिलाया हाथ। कौन सी होगी यश की अगली फिल्म? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। केजीएफ 1 के बाद अब केजीएफ 2 के साथ बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है यश। ऐसे में हाल ही में केजीएफ 2 के सभी स्टार कास्ट की फीस सामने निकल कर आई है, जिसमें फिल्म के हीरो यश ने सबसे ज्यादा फीस चार्ज की है, साथ ही फिल्म के प्रॉफिट में भी भागीदार बनेंगे। KGF 1 से लाइमलाइट में आने वाले रॉकी भाई की फिल्म KGF 2 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ऐसे में इसके बाद यश कौन सी फिल्मों में नजर आएंगे ये जानने के लिए आप सभी एक्साइटेड होंगे। तो बता दें आपको कि पिछले साल के एंड के आसपास ट्विटर पर नार्थन नाम के एक ट्विटर अकाउंट द्वारा एक पोस्ट शेयर किया गया जो काफी वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था कि यश की अगली अनटाइटल फिल्म यश 19 का फर्स्ट लुक बड़े पर्दे पर 4 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। उस पोस्ट में होमेबल फिल्म्स का लोगो भी फीचर किया गया था और विजय किरागंडूर को भी टैग किया था, जो आने वाली केजीएफ 2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कई समय बाद पता लगा कि ये अकाउंट एक फेक अकाउंट था जो केवल एक बज क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। तो एक तरफ जहां सभी फैंस एक होप में बैठे थे कि शायद 4 नवंबर को कोई धमाका हो यश की नई फिल्म की अनाउंसमेंट से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर यश ने बताया कि वो केजीएफ 2 के बाद ही कोई नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे। ऐसे में यश की ये मास्टर प्लानिंग काफी स्ट्रांग है, क्योंकि केजीएफ 2 जो आने से पहले ही इतने रिकॉर्ड तोड़ रही है, वो जब बड़े पर्दे पर आएगी तब कितना धमाल मचाएगी इसका अंदाजा हर कोई अपने अपने तरीके से लगा रहा है। लेकिन यश की प्लानिंग थोड़ी अलग है।
वो फिल्म की रिलीज के बाद इसलिए अपनी कोई नई फिल्म साइन करेंगे ताकि मार्केट में उनका लेवल सेट हो और वो एक अच्छी मोटी रकम प्रोड्यूसर से वसूले अपनी नई फिल्म के लिए। जहाँ KGF 1 से यश ने 15 करोड़ से सीधे KGF 2 में डबल चार्ज किया है पूरे 30 करोड़ का विद फिल्म प्रॉफिट के साथ, ऐसे में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में अपनी नई फिल्म पुष्पा 1 के लिए 30 से 32 करोड़ चार्ज किए और आने वाले पार्ट के लिए एडिशनल चार्ज करेंगे। वहीं सबके दिलों पर राज किया बाहुबली स्टार प्रभास ने बाहुबली 1 के लिए 20 करोड़ चार्ज किया और बाहुबली 2 के लिए 25 करोड़। और आज इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा चार्ज, क्या अधीरा पड़ जाएंगे नरम, क्या विलन बनेगा हीरो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। KGF के चैप्टर 2 के लिए सिनेमा लवर्स के बीच एक्साइटमेंट हर दिन के साथ आसमान छू रही है। KGF 2 के खुमार का एक अलग लेवल है जो किसी भी कंपैरिजन से परे है। ये ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के लिए हमारा सारा वेट वर्थ इट होने वाला है। ये फिल्म 2018 की फिल्म KGF चैप्टर 1 के आगे की कहानी बताएगी और इस फिल्म में संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज के साथ यश बड़े पर्दे पर फिर से दिखेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल की शुरुआत में 7 जनवरी को रिलीज हुए KGF चैप्टर 2 के टीजर ने उस समय बहुत कम समय में 175.59 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर कमाए हैं और 8 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। इतने बड़े रेस्पॉन्स के साथ KGF 2 कई हॉलीवुड फिल्मों से आगे है जो पहले के समय में ब्लॉकबस्टर बन गई। अब KGF 2 के रिलीज होने पर बॉलीवुड के कौन कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस फिल्म की कहानी को जानने के लिए सभी सुपर एक्साइटेड हैं। कई लोगों का कहना है कि KGF 2 में हमें एक खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल सकता है जिसमें शायद से अधीरा यानी कि संजय दत्त का किरदार जो कि फिल्म के विलन है आखिरी मौके पर पलट जाएंगे और अपनी बुराई को छोड़कर कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके किरदार को सब पसंद करेंगे। इसका यही मतलब है कि अधीरा कुछ ना कुछ दयालु काम करेंगे जिससे कि वो विलन होते हुए भी फिल्म के अनस्पोकन हीरो बन जाएंगे। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या होगा। संजय दत्त के किरदार को फिल्म के एक बड़े प्लॉट ट्विस्ट के लिए ही इन्वॉल्व किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब किया जाएगा उनके इस प्लॉट ट्विस्ट का इस्तेमाल। KGF 2 फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट। और अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। KGF 2 जब से बनना शुरू हुई है तब से ये फिल्म काफी चर्चे में है और अब ये फाइनली 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि इसी दिन आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी रिलीज होने वाली है, यानी कि यश के लिए तो ये कंपटीशन है ही है। और ऐसे में SS राजमौली ने अपनी फिल्म RRR की सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 रिलीज डेट निकाली है, एक है 8 मार्च और दूसरी है 28 अप्रैल, जिससे फिलहाल तो KGF को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन कई सारी साउथ की फिल्में कतार में खड़ी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो बाकी फिल्में हैं वो KGF की इतनी मच अवेटेड तो नहीं है, लेकिन उन फिल्मों में जो सुपरस्टार्स है उनका बोलबाला ऑडियंस में काफी ज्यादा है। तो इसी के साथ हम आपको ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये समर वेकेशन साउथ की बड़े फिल्मों से भरा हुआ होने वाला है। विजय सेतुपति की विक्रम, महेश बाबू की सरकारी वारू पाता, अजीत कुमार की वाली में और इतना ही नहीं विजय की 20 जैसी फिल्में भी शामिल है जो गोल ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है और ये यश की KGF 2 के साथ क्लैश होने वाली है। ऐसे में यश की फिल्म चारों तरफ से घिरी हुई है तो अब ये देखना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है कि ये अपना अंदाज बखूबी तरीके से बड़े पर्दे पर दिखा पाती है या नहीं, या बाकी सुपरहिट फिल्मों की वजह से इसका दबदबा फीका पड़ जाता है। वही KGF के स्टार्स के बारे में बात करें तो फिल्म में विलन के रूप में दिखने वाले संजय दत्त का जो लुक है एकदम मारदार वाला और एक डार्क इंटेंसिटी वाला, वो अपने रियल जिंदगी में बिल्कुल भी ऐसे नहीं। जब उनसे हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उनके को स्टार के बारे में पूछा गया तो लारा दत्ता ने अपनी को स्टार यानी कि सलमान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। क्या है यार?
यश के कुछ पर्सनल फैक्ट्स। किसका हाथ है अधीरा के लुक के पीछे? जैसा कि आप जानते हैं केजीएफ 2 के लीड किरदार को यश निभा रहे हैं। यश अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहते हैं। अब इस सेगमेंट में हम उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ हिडन फैक्ट्स का खुलासा करेंगे। यश का असली नाम नवीन कुमार गौडा है और वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। उनका डेब्यू मुगीना मानासु नाम की फिल्म से हुआ था। उनकी शादी 2016 में राधिका पंडित से हुई थी और इस कपल को साउथ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कपल भी माना जाता है और इनकी फैमिली को कंप्लीट करते हैं इनके दो प्यारे बच्चे। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 में भुवानहली हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हुआ था। अभिनेता बनने से पहले यश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पिता KSRTC ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में एक बस ड्राइवर थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और वहाँ से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और आज वो एक सुपरस्टार है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यश और राधिका के दो बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम आयरा है और छोटे बेटे का नाम यथार्थ है। अभिनेता रेगुलरली अपने बच्चों की पिक्चर सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहते हैं। एक इंटरव्यू में अभिनेता ने अपनी बेटी के नाम आयरा रखने का राज खुला। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो सब उसे लक्ष्मी का रूप कहते थे। अब इसी वजह से उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी माता पर ही रखना चाहते हैं। आयरा नाम माता लक्ष्मी के दूसरे नाम आयरावती से लिया गया है, लेकिन उनके फैंस उनकी बेटी को याशिका और YR के नाम से बुलाने लगे। इसलिए उन्होंने जब अपनी बेटी का नाम रखने का सोचा तो उन्होंने सोचा कि YR का इस्तेमाल करेंगे ही। साथ ही में आयरा का नाम अप्पा यश राधिका अम्मा के इनिशियल लेटर्स से बनाया गया है। उनके फैंस ने भी कई नाम सजेस्ट किए, लेकिन वो अपनी बेटी का नाम कुछ यूनिक रखना चाहते थे और ये नाम उन्हें यूनिक लगा और एकदम परफेक्ट लगा। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील के फोबिया का भारत के कोविड वैक्सीनेशन चलते ये खुलासा हुआ। सोशल मीडिया पर निर्देशक द्वारा खुद की पिक्चर शेयर की गई हुई एक पोस्ट में उन्होंने वैक्सीन लगाते हुए देखा जा सकता है। फोटो इतनी पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि निर्देशक उसमें काफी घबराए हुए लग रहे हैं। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि उन्हें निडल फोबिया है। तस्वीर में भी वे डर के मारे अपना मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि केजीएफ के फियरलेस किरदार रॉकी को डायरेक्ट करने वाले निर्देशक खुद एक सुई से इतना ज्यादा डर गए हैं कि सुई को देख भी नहीं पा रहे। फिल्म में पॉलिटिशियन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रवीना टंडन ने इस फोटो को क्यूट बोलकर रिएक्ट किया और कहा कि दर्शकों को उनका वीडियो देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी से इंजेक्शन लगवाया। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि फिल्म के कास्ट में यश के अलावा और भी कई बड़े बड़े सितारे देखने को मिलने वाले हैं। अब इस लिस्ट में संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, रामचंद्र राजू जैसे बड़े सितारे भी शामिल हैं एंड इनके किरदारों के लुक्स को लेकर ये खूब चर्चा में है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है संजय दत्त, जो कि अथीरा के किरदार में नजर आएंगे। संजय दत्त का किरदार फर्स्ट लुक बहुत ही फियर्स है। अब उनके फेस पर एक वर्टिकल टैटू भी बनाया गया है जो कि हिंदी में लिखा गया है और अधीरदार का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देगा। संजय दत्त के इस लुक को वाइकिंग्स नाम की सीरीज के एक वॉरियर से कंपेयर किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों का पूछना था कि इस लुक को किसने स्टाइल किया है, तो पता लगा कि संजय दत्त ने अपने अधीरा लुक को खुद स्टाइल किया है। यहाँ तक उन्होंने अधीरा के लुक को कंप्लीट करने के लिए अपने पर्सनल वार्डरोब से कुछ एक्सेसरीज भी दी थी अपने किरदार के लुक को पूरा करने के लिए। तो क्या केजीएफ 2 आपको भी बेसब्री से इंतजार रखती है? क्या आप भी यश के डाई हार्ड फैन हैं? क्या संजय दत्त का रोल उनके लुक की तरह मचाएगा धमाल? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्केट में आई है, फैंस इसकी खबर सुनकर ही बेहद खुश है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस फिल्म में लीड रोल में हमें नजर आने वाले यश, जिन्हें सिर्फ साउथ इंडस्ट्री के लोग ही नहीं बल्कि हर कोई जानता है। और ये भी आपको पता है कि केजीएफ के पार्ट 1 ने ही तहलका मचा दिया था, जिस कारण डायरेक्टर को इसके सीक्वल के साथ आना पड़ा।
और केजीएफ के पार्ट वन ने ही बम्पर कमाई की थी, तो इसमें तो लाजमी सी बात है कि उसकी दूसरी पार्ट भी अच्छी कमाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे में कोई भी केजीएफ टू के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। इतना ही नहीं बल्कि कोई भी अपनी फिल्म की डेट भी केजीएफ टू के अगल बगल नहीं रखना चाहता है। और ऐसे में एक खबर आई है जो हमें ही नहीं बल्कि आपको भी शॉक कर देगी। जी हाँ, ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श का कहना है, इनफैक्ट उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है जो कि लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स द्वारा लिखा गया है। इस नोट में लिखा है कि लाल सिंह चड्ढा 14 अप्रैल यानी कि बैसाखी के दिन ही रिलीज होगी। और ये तो आप भी जानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा काफी सालों से शुक्रियों में। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें फैन फॉलोइंग की, यानी कि सुपरस्टार आमिर खान के फैन फॉलोइंग की, तो वो तो किसी से कम नहीं है। लेकिन जब ये मेकर्स ये भी चाहते थे कि केजीएफ 2 भी इसी दिन रिलीज होनी है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? और कहां केजीएफ 2 और कहां लाल सिंह चड्ढा? और केजीएफ 2 एक पैन इंडिया लेवल मूवी होने वाली है, जिसे सिर्फ बॉलीवुड के लोग ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में लोग इसे देखने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सुपरस्टार आमिर खान ने मीडिया में चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये चीज कंफर्म कर दिया है कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जहां पहले वो इसकी रिलीज डेट को शिफ्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मन बदल लिया है। बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। यश से छोटी लड़की बनेगी उनकी माँ। कैसा होगा अर्चना जॉयस का किरदार? क्यों चुना अर्चना ने फिल्म में माँ का रोल? किन फिल्मों में पहले काम कर चुकी हैं अर्चना जॉयस? फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट जितनी करीब आ रही है, ऑडियंस के फिल्म देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे आपको बता दें कि केजीएफ के दूसरे चैप्टर में भी आपको केजीएफ चैप्टर 1 के लगभग सभी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो रॉकी का कैरेक्टर हो या रॉकी की माँ का रोल हो, आपको याद तो होगा ही कि फिल्म में रॉकी बने यश के बचपन की कहानी में उनकी माँ का सबसे खास रोल था। अब इस रोल को निभाया है एक्ट्रेस अर्चना जॉयस ने, जो यश के उम्र में काफी कम है। 27 इयर्स की एज में माँ का कैरेक्टर निभाना उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उन्हें केजीएफ जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना था। वैसे उनका ये फैसला गलत भी नहीं था, क्योंकि केजीएफ ही वो फिल्म है जिसके कारण अर्चना जॉयस को उनकी लाइफ की पहली हिट फिल्म मिली। वैसे केजीएफ चैप्टर 2 में इनके किरदार में आपको बिल्कुल भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे केजीएफ में ये रॉकी की स्ट्रगल लाइफ का हिस्सा थी, उसी तरह इस बार भी वो रॉकी को अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की शिक्षा देते हुए नजर आएंगे। वैसे अगर केजीएफ चैप्टर भले ही अर्चना जॉयस की हिट फिल्म हो, लेकिन उन्होंने इससे पहले भी कुछ फिल्मों में काम किया है जिसमें विजय रथा, नक्शे और कलंतका जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन उनकी ये फिल्में कुछ खास चल नहीं पाई, इसलिए तो उन्हें केजीएफ चैप्टर अपने एक्टिंग करियर का सबसे क्रूशियल पॉइंट लगता है, जो फिल्म इंडस्ट्री में उनको अपना नाम बनाने में हेल्प करेगा। आगे बात करें फिल्म की, तो केजीएफ चैप्टर 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको अर्चना जॉयस के अलावा यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला पार्ट बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और जिसके कारण आज उस फिल्म के आगे की कहानी देखने के लिए लोग बेकरार बैठे। के बाद कैसे समय गुजार रहे हैं यश अपनी फैमिली के साथ? केजीएफ 2 की रिलीज के बाद यश ने क्या रखा है सरप्राइज अपने फैंस के लिए? कन्नड़ सुपरस्टार यश ने साल 2018 में केजीएफ की हिंदी रिलीज के बाद बॉलीवुड में भी अपने कदम को मजबूती से बिठा लिया है। केजीएफ चैप्टर 1 का जलवा और कमाई ऐसी चली कि केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज का इंतजार फैंस तहे दिल से कर रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 2 साल 2022 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्मों में शामिल है।
यश के स्टार डम का क्रेज इस तरह का है कि इसे साल 2021 में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केजीएफ चैप्टर 2 को साल 2022 में 14 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। सुपरस्टार यश ने न केवल अपने एक्टिंग स्किल से फैंस को प्रभावित किया है, बल्कि अपने बच्चों आयरा और यथर्फ के साथ समय बिताते हुए अपने पिता के फर्ज से भी सभी को प्रभावित किया है। यश और उनकी पत्नी राधिका पंडित का सोशल मीडिया नन्हे मुन्हों के साथ उनके क्वालिटी टाइम की कुछ झलकियों से भरा हुआ है, और यश को आयरा को पढ़ाने की एक हालिया क्लिप निश्चित रूप से कई दिलों को पिघला देगी। शनिवार 22 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राधिका पंडित ने एक प्यारी सी वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें आर्या को बेबी पिंक टी शर्ट और प्रिंटेड लेगिंग्स में दिखाया गया है और यश उन्हें पढ़ा रहे हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, वीकेंड स्पेशल क्लास हैशटैग राधिका पंडित हैशटैग निम्मा आरपी। फैंस ने पिता बेटी की जोड़ी पर प्यार और प्रशंसा की बौछार करते हुए कमेंट्स किए, दोनों इस मूवमेंट को देखकर बहुत खुश हैं। हाउ क्यूट, यश बॉस का छोटा लकी चार्म, ऐसे ऐसे कमेंट्स लिख फैंस ने अपना बेशुमार प्यार दिखाया। केजीएफ एक्टर ने इस महीने की शुरुआत में परिवार के करीबी सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में अपना 36वां बर्थडे मनाया था। सेलिब्रेशन से अपने परिवार के साथ शेयर करते हुए यश ने मेंशन किया था कि वे जन्मदिन के बारे में एक्साइटेड होने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। और यश कहते हैं कि जन्मदिन ने मुझे कभी भी एक्साइट नहीं किया, ये वह खुशी है जो मैं चारों ओर देखता हूँ मेरे बच्चों के साथ। इस अवसर पर मैं आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए अपने फैंस और वेल विशर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उम्मीद है कि सभी सेफ हैं। उन्होंने ये सभी बातें अपने सोशल मीडिया के द्वारा कही। KGF 2 के बाद यश अपने फैंस को एक और फिल्म के साथ सरप्राइज करना चाहते हैं और इस फिल्म की घोषणा KGF 2 के रिलीज होते ही कर देंगे। ये फिल्म भी साउथ इंडस्ट्री से ही लॉन्च होगी, लेकिन फिल्म का टाइटल अभी तक अननोन रखा गया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो यश KGF चैप्टर 2 में श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त और रवीना टंडन के साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म जो कि पहले 16 जुलाई कलेक्शन किया है, पर जब बात साउथ फिल्मों की आती है तो बॉलीवुड की फिल्में भी उसके सामने कपकपाने लगती है, जिसका सारा क्रेडिट जाता है 2021 की फिल्म पुष्पा द राइज को। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 400 करोड़ का कलेक्शन किया है और अब अपने दूसरे पार्ट पुष्पा द एंड के लिए कमर कस ली है और ये फिल्म साल के एंड तक रिलीज हो जाएगी। ऐसे में जहां एक तरफ बाहुबली से शुरू हुआ साउथ में सीक्वल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है, फिर चाहे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा हो या फिर पुष्पा के भंवर सिंह शेखावत का पुष्पा से बदला लेने पर सवाल हो, ऐसे में फिल्में और उनकी हाइप आसमान छू रही है। ऐसे में आने वाली है एक और फिल्म की सीक्वल जो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ एक अपना नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF चैप्टर 2 की। ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और मिस्टर परफेक्शनिस्ट का इस फिल्म से डर तो देखिए कि अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को 14 अप्रैल पर रिलीज न करने का उन्होंने फैसला लिया है और रिलीज डेट आगे बढ़ाने वाले हैं वो, क्योंकि वो नहीं चाहते जिस तरह से 83 फिल्म को पुष्पा से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, वैसे उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को KGF चैप्टर 2 से हो। इस बात की अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर ये बात तो तय है इन दोनों ही फिल्मों का क्लैश नहीं होने वाला है। ऐसे में फिल्म KGF 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है, पर उसे भी टक्कर देने के लिए पुष्पा 2 है अभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। कैसे आया दोनों चैप्टर्स में 20 करोड़ का फर्क?
कितना अंदाजा लगाया जा रहा है KGF 2 के कलेक्शन को लेकर। हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। KGF चैप्टर 2 जल्द ही आपसे मिलने को तैयार है और अब आपका इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। बात करें फिल्म के बजट की तो KGF चैप्टर 1 में फिल्म की बजट थी 80 करोड़। वहीं अब जब KGF चैप्टर 2 आने वाली है तो इस फिल्म की बजट होने वाली है 100 करोड़। और 20 करोड़ का ये फर्क क्यों आया है, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्टार्स की फीस। यश ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस बढ़ा दी है। वहीं इस फिल्म में आपको KGF चैप्टर 1 से ज्यादा एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस सब के अलावा KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे स्टार्स हैं तो बजट बढ़ना तो लाजमी है। और वहीं इस फिल्म के बस बजट में फर्क नहीं होगा बल्कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी आपको बहुत से डिफरेंस देखने को मिलने वाले हैं। बात करें फिल्म KGF के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब फिल्म KGF चैप्टर 2 का कलेक्शन तो फिल्म के रिलीज डेट के बाद ही पता चलेगा, पर अगर मेकर्स की बात माने तो उन्हें लग रहा है ये फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े जरूर छुएगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बना नेताओं का रॉकी भाई, किस मिनिस्टर ने किया यश का स्टाइल कॉपी, लाल सिंह चड्ढा के अलावा किस फिल्म से हो सकता है KGF 2 का क्लैश। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। KGF चैप्टर 2 का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब इस फिल्म का असर आपको देश की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिल रहा है। वैसे अब तक तो हमारी ऑडियंस के कई लोग समझ गए होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के मेंबर कमलनाथ का एक पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में आप कमलनाथ को KGF के हीरो यश की कॉपी करते देख सकते हैं। इस पोस्टर के लिए तो कई राजनेताओं ने ये तक कह दिया कि ये उनका रॉकी भाई है। वैसे इस बात से ये तो साफ हो गया है कि KGF 2 के रिलीज होते ही इंडिया में जो ट्रेंड लिस्ट में टॉप पर होगा वो यही फिल्म होगी। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि इस फिल्म की रिलीज के साथ ही आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को भी रिलीज करने वाले हैं, जिसके लिए कहा जा रहा था कि मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट बदलने की सोच रहे हैं, लेकिन अब मेकर्स की तरफ से ये फाइनल किया जा चुका है कि फिल्म अपने तय डेट पर ही आएगी, यानी कि KGF 2 और लाल सिंह चड्ढा की टक्कर होना पक्का है। वैसे लाल सिंह चड्ढा के अलावा साउथ सुपरस्टार विजय थलपाती भी अपने आने वाले फिल्म बीस्ट को KGF 2 से भिड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए अब आगे देखना काफी दिलचस्प होगा जब ये तीन बड़ी फिल्में एक दूसरे से टकराएंगी। KGF 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर बताया जा रहा है कि एक बार फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स कायम करने वाली है। किया गया था संजय दत्त के बॉडी डबल का शुरुआत में यूज, क्या प्रकाश राज का होगा बस KGF 2 में एक ही सीन। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। KGF चैप्टर 2 सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है जो 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। फिल्म में यश मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दोस्तों बता रहे कि वो फिल्म में राजा कृष्णप्पा बैरिया उर्फ रॉकी भाई की भूमिका में दिखाई देंगे। इस फिल्म में यश के साथ साथ प्रकाश राज भी एक सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। और दोस्तों प्रकाश राज पहली फिल्म KGF का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगली कड़ी में एक काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। अधिकांश फैंस ने सोचा था कि प्रकाश राज ने अनंतनाग के किरदार को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन दोस्तों प्रशांत नील ने सभी अफवाहों को गलत साबित करके हमें विजेंद्र इंगलगी के राज के किरदार से इंट्रोड्यूस कराया है।
दोस्तों प्रकाश राज एक काफी अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने इस बात को काफी बार अपनी फिल्मों की परफॉर्मेंस से प्रूफ भी किया है। अब जब दोस्तों उनके किरदार को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या फिल्म में उनका एक गेस्ट अपीयरेंस है या फिर वो होंगे फिल्म का एक बड़ा हिस्सा। उस समय दोस्तों कुछ लोगों ने कहा था कि वो फिल्म में एक बड़ा रोल निभाएंगे, लेकिन सुनने में आया था कि ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों प्रकाश राज का किरदार फिल्म की कहानी में काफी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम काफी कम होने वाला है और इस बात को हाल ही में केजीएफ 2 के सभी एक्टर्स की फीस की लिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है। दोस्तों जहां एक तरफ फिल्म के काफी एक्टर्स ने करोड़ों में फीस चार्ज की है, वहीं इस फिल्म के लिए प्रकाश राज ने फीस के तौर पर 80 से 82 लाख रुपए वसूले हैं। दोस्तों सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए फीस औसत दर्जे का है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है कि फिल्म में वो बस एक ही सीन में दिखने वाले हैं। बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 में प्रकाश राज के अलावा श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त और रवीना टंडन भी काफी इम्पोर्टेंट रोल्स में दिखाई देंगे। फिल्म के लिए संजय दत्त ने काफी मेहनत की है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फिल्म के स्टार्टिंग में संजय दत्त के बॉडी डबल का यूज किया गया था। अक्सर दोस्तों स्टंट्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दरअसल जब केजीएफ 2 फिल्म के मेकर संजय दत्त के ठीक होकर लौटने का इंतजार कर रहे थे, तब तक उनके बॉडी डबल का फिल्म में इस्तेमाल किया गया था ताकि फिल्म की शूटिंग में कोई रुकावट ना आए। और कैसे ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, क्या रवीना टंडन नहीं बनेंगी इंदिरा गांधी? उनकी कौन सी वेब सीरीज आई लोगों को पसंद? केजीएफ 2 के बाद किस फिल्म में नजर आएंगे संजय दत्त और रवीना टंडन साथ में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बहुत लंबे इंतजार के बाद केजीएफ चैप्टर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आपको साउथ एक्टर्स के अलावा बॉलीवुड के दो बड़े सितारे भी नजर आने वाले हैं, जिनका नाम है संजय दत्त और रवीना टंडन। आपको बता दें कि फिल्म में रवीना टंडन एक प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रही हैं। कुछ वक्त पहले तक तो कहा जा रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर का रोल इंदिरा गांधी से इंस्पायर होगा, लेकिन हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने इंदिरा गांधी बनने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनका कैरेक्टर भले ही प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन ऑडियंस को उसमें बिल्कुल भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की झलक नहीं दिखाई देगी। केजीएफ 2 के अलावा फिलहाल लोग रवीना टंडन की खूब तारीफ कर रहे हैं, जिसका कारण है उनकी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज अरण्यक, जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है। वैसे फिल्म केजीएफ 2 में एक बहुत लंबे वक्त के बाद आपको संजय दत्त और रवीना टंडन एक ही फिल्म में दिखने वाले हैं। दोनों ने 90s की कई हिट फिल्मों में साथ काम किया है और अब तो सुनने में आया है कि केजीएफ 2 के बाद दोनों कलाकारों को एक अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म में फिर से साथ देखा जा सकता है। जल्द ही इस अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। बता दें कि केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया जा रहा है। इस फिल्म में आपको रवीना टंडन के साथ यश, संजय दत्त, एंड्रयू, श्रीनिधि और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर बताया जा रहा है कि एक बार फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स कायम करने वाली है। फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन इस बार मेकर्स ने ये साफ तौर पर कह दिया है, अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। क्या फ्लैशबैक से भरपूर होने वाली है केजीएफ 2? कि केजीएफ के मेकर्स करेंगे माँ के कार्ड को इस्तेमाल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बीते कुछ सालों में दक्षिण भारतीय सिनेमा ने तेजी से ग्रोथ की है और अब ऐसा लगता है कि साउथ का सिनेमा हिंदी सिनेमा के लेवल पर आकर खड़ा हो गया। साउथ ने कई मेगा बजट, कंटेंट रीच और सुपर हिट फिल्में देश को दी, जिन्होंने ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया बल्कि दुनिया भर में अपना जादू दिखाया।
साल 2020 और 2021 जहां हिंदी सिनेमा के लिए बुरा साबित हुआ, वहीं साउथ इंडियन सिनेमा ने भी मुश्किलों का सामना किया। लेकिन अब साल 2022 में ऐसी कई बड़ी साउथ की फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है, और इन्हीं में से एक है KGF 2। इस फिल्म का पहला पार्ट जबरदस्त हिट हुआ था और लंबे वक्त से फैंस को KGF 2 का इंतजार था। तकरीबन 100 करोड़ रुपए के बजट में बन रही इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई। यश एक बार फिर से रॉकी के किरदार में नजर आएंगे और फिर से धमाका मचाएंगे। KGF 2 में संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज के साथ कई और कलाकार नजर आने वाले हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश की बात करें तो वो स्टाइल में खड़े होकर गाड़ियां उड़ाते नजर आने वाले हैं। काफी टाइम पहले सामने आए टीजर में रॉकी की माँ और उसका बचपन दिखाया गया है, कैसे रॉकी की माँ ने उसे पाला, फिर बड़े होने का दौर और फिर माँ से किया वादा दिखाया गया है। इस वादे को रॉकी फिल्म में पूरा करेगा। फिल्म में रॉकी के बचपन से काफी फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे ताकि ऑडियंस को एक बेटे और उसकी माँ के प्यार का एहसास दिलाया जा सके और इमोशन से भरपूर हो ये फिल्म। भारतीय सिनेमा में माँ के किरदारों को हमेशा से बेहद अलग और खास अंदाज में दिखाया गया है और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे KGF के मेकर्स भी। साउथ की फिल्में वैसे भी बहुत ज्यादा इमोशनल और अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। क्या फ्लैशबैक से भरपूर होने वाली है KGF 2? क्या KGF के मेकर्स करेंगे माँ के कार्ड को इस्तेमाल? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बीते कुछ सालों में दक्षिण भारतीय सिनेमा ने तेजी से ग्रोथ की है और अब ऐसा लगता है कि साउथ का सिनेमा हिंदी सिनेमा के लेवल पर आकर खड़ा हो गया है। साउथ ने कई मेगा बजट, कंटेंट रीच और सुपर हिट फिल्में देश को दी, जिन्होंने ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया बल्कि दुनिया भर में अपना जादू दिखाया। साल 2020 और 2021 जहां हिंदी सिनेमा के लिए बुरा साबित हुआ, वहीं साउथ इंडियन सिनेमा ने भी मुश्किलों का सामना किया। लेकिन अब साल 2022 में ऐसी कई बड़ी साउथ की फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है और इन्हीं में से एक है KGF 2। इस फिल्म का पहला पार्ट जबरदस्त हिट हुआ था और लंबे वक्त से फैंस को KGF 2 का इंतजार था। तकरीबन 100 करोड़ रुपए के बजट में बन रही इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई। यश एक बार फिर से रॉकी के किरदार में नजर आएंगे और फिर से धमाका मचाएंगे। KGF 2 में संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज के साथ कई और कलाकार नजर आने वाले हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश की बात करें तो वो स्टाइल में खड़े होकर गाड़ियां उड़ाते नजर आने वाले हैं। काफी टाइम पहले सामने आए टीजर में रॉकी की माँ और उसका बचपन दिखाया गया है, कैसे रॉकी की माँ ने उसे पाला, फिर बड़े होने का दौर और फिर माँ से किया वादा दिखाया गया है। इस वादे को रॉकी फिल्म में पूरा करेगा। फिल्म में रॉकी के बचपन से काफी फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे ताकि ऑडियंस को एक बेटे और उसकी माँ के प्यार का एहसास दिलाया जा सके और इमोशन से भरपूर हो ये फिल्म। भारतीय सिनेमा में माँ के किरदारों को हमेशा से बेहद अलग और खास अंदाज में दिखाया गया है और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे KGF के मेकर्स भी। साउथ की फिल्में वैसे भी संजय रवीना साथ, क्या रवीना नहीं कर रही इंदिरा गांधी को रिप्रेजेंट? हाई एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। यश स्टारर फिल्म KGF 2 को लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है। ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में संजय दत्त और रवीना टंडन भी हमें नजर आने वाले हैं, पर इन दोनों का आपस में कोई भी साथ में सीन नहीं है क्योंकि दोनों का फिल्म में आमना सामना हो
रमिका सेन का रॉकी के साथ ज्यादा रोल है। लेकिन यहाँ एक और बात सामने आई है, जो रमिका है वो फिल्म में पीएम का रोल तो कर रही है लेकिन वो पीएम इंदिरा गांधी नहीं है। बता दे जब पहले भी रवीना टंडन ने साड़ी पहनकर केजीएफ 2 की झलक दिखाई थी तो लोगों को लगा था वो इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्ट्रेस ने अब खुद अपने रोल का खुलासा किया है। उन्होंने कहा वो पीएम का रोल तो कर रही है पर वो इंदिरा गांधी नहीं है। रवीना ने कहा फिल्म में इंदिरा गांधी के बारे में कुछ भी नहीं है, ना ही मेरा लुक उनकी तरह दिखता है और ना ही मेरा कैरेक्टर उनसे प्रेरित है। रवीना ने कहा फिल्म 80 के दशक पे आधारित है और क्योंकि मैंने इस फिल्म में पीएम का रोल निभाया है इसलिए लोग ये अटकलें लगाने लगे कि मैं इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हूँ। रवीना और संजय दत्त एक साथ इस फिल्म में आ रहे हैं, पर इस पर बात करते हुए रवीना ने कहा वो दोनों साथ में नजर नहीं आने वाले हैं। रवीना कहती हैं उन्हें लगा कि वो संजय दत्त के साथ मिलकर सेट पर धमाल मचा देंगी, पर अफसोस बाद में उन्हें ये पता चला कि संजय दत्त के साथ उनकी कोई भी सीन्स नहीं है। वैसे फैंस अगर इन दोनों को इस फिल्म में साथ नहीं देख रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये दोनों हमें जल्द ही एक कॉमेडी फिल्म में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं बड़ा सराज आपके लिए लेकर आई हूँ केजीएफ चैप्टर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। यश की पैन इंडिया लेवल पर बन रही मूवी फ्रेंचाइजी केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट आ गई है। इंडियन पब्लिक की सेंसिबिलिटी के हिसाब से बनी इस मूवी के पहले किश्त को देश भर में खूब पसंद किया गया था, इसलिए अब एक बार फिर यश फुल फ्लैश तरीके से हिंदी ऑडियंस को लुभाने की तैयारी में लग गए हैं। उसी प्लानिंग का हिस्सा है केजीएफ चैप्टर 2, जो कि एक बिग बजट एक्शन ओरिएंटेड मेनस्ट्रीम सिनेमा है। ये मूवी 14 अप्रैल 2022 में दर्शकों के सामने आएगी। लेकिन वो सब तो ठीक है दर्शकों, मगर केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। मुश्किल ये है कि इसी तारीख पर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी थिएटर्स में उतरनी है। आमिर जोर शोर से अपनी मूवी की शूटिंग में लगे हुए हैं। पहले भी इस बात की चर्चा थी और मेकर्स ने यश से टकराने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन फिर वो सभी पीछे हट गए थे क्योंकि माना जाता है कि दो बड़ी फिल्में अगर एक साथ रिलीज होती है तो वे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये संबंधित फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को प्रभावित करता है। लेकिन इस बार फिर से लाल सिंह चड्ढा के प्रोडक्शन हाउस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि ये मूवी अब बैसाखी के मौके पर रिलीज होगी। मेकर्स का मानना है कि ये दोनों फिल्मों में एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही फिल्में डिफरेंट टेस्ट की है। आमिर स्टार लाल सिंह चड्ढा हल्की फुल्की कहानी है, जबकि साउथ सुपरस्टार यश की केजीएफ 2 एक्शन से भरपूर मूवी है और इन दोनों ही फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार भी है। लेकिन दर्शकों, आपको नहीं लगता कि अगर ये क्लैश होता है तो वो सबके लिए नुकसानदेह सौदा साबित होगा क्योंकि कोविड पैंडमिक की वजह से वैसे ही देश भर के थिएटर्स की हालत खराब है। एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स परेशान हैं क्योंकि थिएटर्स छुटपुट तरीके से खुल रहे हैं जिसकी वजह से कोई मूवी रिलीज नहीं हो पा रही है। लाल सिंह चड्ढा और केजीएफ चैप्टर 2 अगर अलग अलग दिनों पर रिलीज होगी तो मूवी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिकों का फायदा होगा क्योंकि एक तो बिजनेस चलता रहेगा, दोनों फिल्मों का स्केल और स्टार पावर देखकर साफ हो जाता है कि उनमें दर्शकों को आकर्षित करने की भरपूर क्षमता है। अगर इकलौती रिलीज हुई मूवी 19 भी होती है तब भी पब्लिक उसे एक बार देखने तो जरूर जाएगी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब ये दो फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों में उतरेंगी तो जाहिर तौर पर एक दूसरे की कमाई में बड़ी सेंधमारी करेंगी। पब्लिक लॉकडाउन के बाद ऐसी आर्थिक स्थिति में नहीं है कि एक ही दिन दो फिल्में देखने जाएं। इसलिए क्लैश की स्थिति में किसी ना किसी मूवी को तो नुकसान होना तय है। जिस भी मूवी को नुकसान होता है उसका प्रोड्यूसर तमाम तरीकों से मार्केट से अपना पैसा वसूल लेगा, विदेश में मूवी रिलीज करके भारी रेवेन्यू बटोर लेगा, मगर जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने उसकी मूवी खरीद कर रिलीज की और जिस एग्जिबिटर ने अपने यहाँ वो फिल्म चलाई उनका तो लॉस हो जाएगा। फिल्मों की क्लैश के इर्द गिर्द जो डर की बुनाई होती है वो रियल है। जनता मूवी देखने और उस पर टिप्पणी करने के अलावा
अलावा दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उन्हें क्लैश और उससे होने वाले नफा नुकसान का पता नहीं चलता। एक तर्क ये भी है कि जो मूवी अच्छी होगी वो अच्छा पैसा कमाएगी, मगर ये बात हर बार सही साबित नहीं होती। ऐसी ढेरों फिल्में हैं जिन्हें कल्ट स्टेटस प्राप्त है, मगर उन फिल्मों का प्रोड्यूसर दोबारा कोई मूवी नहीं बना पाया। खैर दर्शकों, बहुत होगी सीरियस वाली, अब वापस केजीएफ चैप्टर 2 पर आते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हुए काफी लंबा वक्त बीत चुका है, ऐसे में फैंस को करना स्टार्ट। क्या मुन्ना भाई से है सबको खतरा? कौन देगा इस फिल्म में साउंड ट्रैक? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ 1 जब से आई है तब से लोगों में उसके आने वाले सीक्वल को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है कि हर कोई अपने कॉलेज में एप्लीकेशन डालकर यश का बर्थडे मनाने जा रहा है, तो कोई जॉब से एक महीने पहले ही फिल्म देखने के लिए ऑफ ले रहा है। भाई दर्शकों का प्यार है ये आने वाली फिल्म केजीएफ 2 के लिए। ऐसे में ये फिल्म इस बार एक और चीज के लिए फेमस हो रही है, और वो है फिल्म का विलन अधीरा, जिसे बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त प्ले कर रहे हैं। दोस्तों संजय दत्त इस फिल्म में बिल्कुल हटकर दिख रहे हैं, और उनका एक्शन भी इस बार काफी दमदार होने वाला है। ऐसे में जहां अभी तक बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, हर जगह एक्शन के लिए अक्षय, टाइगर, यश, प्रभास, अल्लू अर्जुन या विद्युत का नाम टॉप पर रहता है, और हर कोई इन स्टार्स को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। लेकिन अब इंडस्ट्री को मिल गया है एक नया एक्शन विलन। जी हाँ दोस्तों, इस बार हीरो नहीं बल्कि विलन अधीरा का राज होगा फिल्म में। तभी तो इस जल्द ही केजीएफ 2 पृथ्वीराज और शमशेर जैसे फिल्मों में अपने एक्शन का जलवा दिखाएंगे संजू बाबा। हर फिल्म के साथ आपको संजय दत्त का एक अनोखा ही रोल देखने को मिलेगा। केजीएफ 2 में जहाँ संजू बाबा विलन के रोल में दिखेंगे, वहीं पृथ्वीराज में वो एक ब्लाइंड मैन का किरदार करते नजर आएंगे, और शमशेरा में एक पीरियोडिक टाइम के एक्शन स्टाइल में नजर आएंगे अभिनेता। तीन फिल्में और तीनों ही फिल्में एक्शन बेस्ड। ऐसे में दोस्तों आने वाली कई और भी दूसरी एक्शन फिल्म्स को संजय दत्त का स्टाइल मात दे सकता है, जिसमें टाइगर की हीरोपंती 2, प्रभास की सलार, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, ये सभी फिल्में संजय की आने वाली तीनों फिल्मों के आसपास रिलीज होने वाली है। अब केजीएफ 1 फिल्म जो इतनी सुपरहिट गई थी, जिसमें एक्शन के साथ साथ बैकग्राउंड साउंडट्रैक ने भी फिल्म में एक अलग ही जान डाल दी थी, और दोस्तों अब आने वाली केजीएफ 2 में भी वही दमदार इम्पैक्ट देखने के लिए मशहूर साउंडट्रैक आर्टिस्ट कैन ये सिलियर्ट फिल्म के साउंड। राव रमेश, कैसा होगा फिल्म में इनका कैरेक्टर? साउथ की किन फिल्मों के लिए हैं ये फेमस? साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म है केजीएफ चैप्टर 2, जिसकी कहानी को देखने के लिए ऑडियंस इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि अगर आज ही फिल्म को रिलीज़ किया जाए तो फैंस अपने सारे काम छोड़कर फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पहुँच जाएंगे। वैसे इस फिल्म में आपको बहुत से नेगेटिव रोल्स दिखाई देने वाले हैं, फिर वो चाहे संजय दत्त का हो या बीएस अविनाश का। वैसे इन नेगेटिव रोल्स की लिस्ट में एक एक्टर और जुड़ चुका है, जिसका नाम है राव रमेश। अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो आपने इनकी कोई ना कोई फिल्म ज़रूर देखी होगी। इन्होंने अपने करियर में बहुत सी साउथ की हिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें डीजे, सन ऑफ सत्यमूर्ति और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जय भीम जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसके लिए ये फेमस हैं। वैसे उन्होंने अपनी बहुत सी फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाया है,
और जिन फिल्मों में उनका पॉजिटिव रोल देखने को मिला है उस फिल्म में उनका किरदार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अब हो सकता है शायद फिल्म मेकर्स को राव रमेश सिर्फ विलन के किरदार में ही पसंद करते होंगे, इसलिए ही तो केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर्स ने भी उन्हें फिल्म में एक नेगेटिव रोल दिया है। बात करें इनके किरदार की तो फिल्म में आप इन्हें कन्नेगंती नाम का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखेंगे। ये रोल एक गुंडे का होगा जो फिल्म में अपने फायदे के लिए काम करते हुए नजर आएगा। आगे बात करें फिल्म की तो KGF 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है, जिसमें कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तेलुगु और तमिल जैसी भाषाएं शामिल हैं। इस फिल्म में आपको यश और संजय दत्त के अलावा रवीना टंडन, श्रीनिधि और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की डबिंग लगभग सभी एक्टर्स ने अपनी ही आवाज में। अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। Since 1951. रवीना करेंगी श्रीनिधि का सामना, पावर के लिए मिलाएंगे रॉकी और रामी का हाथ। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आप थिएटर में ऐसी किसी फिल्म को देखने जाइए जिसकी कहानी आपको पहले से पता हो तो क्या आप जाएंगे? आप भी एक बार सोचेंगे ऐसी किसी फिल्म में अपना वक्त जाया करने से पहले। अब हम हमेशा से ये सोचकर फिल्म देखने जाते हैं कि हमें बड़े पर्दे पर कोई नई कहानी देखने को मिलेगी। जिन फिल्मों की कहानी में कुछ ऐसा ही दम होता है वो फिल्में कहलाती हैं सुपरहिट। और अब लगता है कि ऐसी ही एक फिल्म हमें जल्द देखने को मिलेगी। जी हाँ, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इतनी ज्यादा फेमस है कि इसके सीक्वल के लिए सभी एक्साइटेड हैं। साउथ के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 1 की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद से लोग सिनेमाघरों में अगले पार्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में तहलका मचाने के बाद अब इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। इस फिल्म में संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज के साथ कई और कलाकार नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि केजीएफ की तरह ही इस फिल्म में भी हमें पावर के पीछे रॉकी भाई का स्ट्रगल नजर आने वाला है और इस स्ट्रगल को देखने के लिए ही दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। केजीएफ 2 के टीजर में एक नेता के रूप में रवीना टंडन को देखा जा सकता है, वहीं संजय दत्त फिल्म के विलन अधीरा के लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म में रवीना टंडन का लुक उनके जन्मदिन 26 अक्टूबर 2020 को सामने आया था और इनके इस लुक के रिलीज होते ही सबके मन में एक ख्याल आया था कि क्या फिल्म में रवीना और रॉकी आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस फिल्म में रॉकी और रवीना हाथ मिलाएंगे और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस फिल्म में रवीना रॉकी से हाथ मिलाकर श्रीनिधि के किरदार के साथ धोखा करने वाली है। आपको बता दें कि श्रीनिधि फिल्म में रीना का किरदार निभा रही हैं। केजीएफ चैप्टर 1 के बाद उन्हें अपने इस किरदार के लिए काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी।
अब हम तो इस कहानी के पार्ट टू को जल्द से जल्द देखने के लिए एक्साइटेड हैं। और आप, क्या लगता है आपको, क्या और KGF की रिपोर्टर होगी सीक्वल फिल्म में? क्या इस बार भी वो आएगी कहानी सुनाते हुए नजर? और बिना अनंतनाग के कौन सुनाएगा उन्हें कहानी? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF का दूसरा चैप्टर जल्दी आने वाला है। फिल्म KGF चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहां पिछले चैप्टर में खत्म हुई थी। अब आपको तो याद ही होगा कि उस फिल्म की शुरुआत में आपने एक लेडी रिपोर्टर को देखा था जिसे जर्नलिस्ट और फिल्म के नरेटर बने अनंतनाग KGF की कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं। तो इस बार भी KGF 2 में आपको वो लेडी रिपोर्टर नजर आने वाली है। हालांकि इस बार आपको अनंतनाग फिल्म में नहीं दिखाई देंगे। वहीं फिल्म में ये लेडी हेड रिपोर्टर का रोल मालविका अविनाश निभा रही है जिसके कैरेक्टर का नाम है दीपा हेगड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फिल्म का नरेटर ही नहीं होगा तो उस लेडी रिपोर्टर को कहानी कौन सुनाएगा? तो आपको बता दें कि मेकर्स ने कहानी को थोड़ा बदल दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार फिल्म में कोई नरेटर नहीं होगा और दीपा हेगड़े जो कहानी सुनने का काम कर रही थी वो इस बार खुद ही आगे की कहानी का पता लगाएंगी। इसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि मालविका अविनाश आपको आगे की फिल्म कहानी दिखाने वाली है। बात करें अनंतनाग की तो कहानी में बदलाव के कारण ही वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। दोस्तों KGF 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज अहम रोल्स में नजर आने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का।